श्री वृंदावन धाम में यहाँ निवास प्राप्त किए हैं और 7 दिन प्रेमा अवतार श्री गौरांग महाप्रभु की प्रणाली में हम सभी यहाँ केवल श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण ही नहीं अपितु श्रीमद् भागवत का चिंतन करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भागवत में प्रवेश प्राप्त होना ये ठाकुर जी की और श्री जी महारानी की विशेष कृपा से ही संभव होता है। शास्त्रों में वर्णन है, जब कोई जीव श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए कथा मंडप में उपस्थित होता है तो वो और कहीं नहीं श्रीमती राधा रानी की गोद में स्थान प्राप्त करता है। श्रीमती राधा रानी की गोद में बैठ के श्री ठाकुर जी की कथा श्रवण करने का यह सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है और हमारा ये परम सौभाग्य है कि श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से आने वाले 7 दिनों तक हम श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ चिंतन मनन और इसे आत्मसात करने वाले हैं। श्रीमान लाल गोविंद प्रभु सनातन धर्म एवं वैष्णव धर्म के जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामायण, चैतन्य चरितामृत इत्यादि पे प्रभु जी पूरे विश्व में इसका प्रचार कर रहे हैं और साथ ही साथ में विश्व स्तर पे उनके व्याख्यान सभी के लिए बड़े प्रेरणादायक हैं। लाखों लाखों जीव उनकी इन कथाओं से अपनी अंतरात्मा को टटोलने की जो ये यात्रा है इसमें अग्रसर हो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु जी पिछले 18 वर्षों से श्रीमद् भागवत को लेकर पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं और केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में, जैसे अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, यूरोप, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना, इन सभी स्थानों पे प्रभु जी के द्वारा अनेकों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और पिछले 18 सालों में प्रभु जी ने 390 भागवत कथा जो है इन्होंने संपन्न की है। और केवल इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड, फिजी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, मॉरिशियस, घाना, केनिया, दुबई, शारजा, आप जहां कहें उन सभी स्थानों पर जाके प्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का बहुत सुंदर ये जो संदेश है, दिव्य संदेश है, इसका प्रचार किया है। YouTube इत्यादि के माध्यम से प्रभु जी के 10 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं जो प्रभु जी को फॉलो करते हैं और अन्य सोशल मीडियाओं के माध्यम से 25 मिलियन लोग जो हैं पूरे विश्व से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रभु जी से इस सनातन धर्म के प्रचार में, इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि प्रभु जी हिंदी, गुजराती, इन सभी भाषाओं में श्रीमद् भागवत इत्यादि का प्रचार कर रहे हैं और यही उनका विशेष योगदान है मानव समाज के लिए। और इस योगदान के लिए देश विदेश में प्रभु जी को अनेकों सम्मानों से पुरस्कृत किया गया है। तो हमारा यह सौभाग्य है कि भगवान का
ये विशुद्ध संदेश प्रभु जी जो विश्व में प्रचार कर रहे हैं, तो आने वाले 7 दिनों में हम सभी श्री वृंदावन धाम में निवास करते हुए प्रभु जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत को यहाँ हम श्रवण चिंतन मनन करेंगे। और अब मैं विनंती करता हूँ हिज ग्रेस श्रीमान प्राणनाथ कृष्ण प्रभु से, जो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के कृपा पात्र शिष्य हैं, वे यहाँ स्टेज पर आए और वे प्रभु जी का और साथ ही साथ गगड़ा परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं, इन सभी का वे अभिवादन करें। आइए हम प्रभु जी का यहाँ स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उच्च स्वर में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुन्निवादी पश्चात देश तारिणे। ओम अज्ञानतिभिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर अन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदांतिकम। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। परम पूज्य श्री लाल गोविंद प्रभु, पूज्य वडिलो भाईओ तथा बहनों, आज रोज अपने पवित्र वृंदावन धाम में परम पूज्य श्री लाल गोविंद प्रभु की मधुर वाणी में श्रीमद भगवत कथा नु रसपान करवा एकत्रित थया छे। જ્યારે જીવ ઉપર વિશેષ કૃપા થાય, ભગવાનનો અનુગ્રહ થાય, ત્યારે આપણે આવો સત્સંગ પ્રાપ્તિ થાય છે। અને ખાસ કરીને પરમહંસ ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદ અને એમની પરંપરાનામાં જે ભક્તો છે એમને વિશેષ એમની કૃપાથી બી આપણે આ બધો સત્સંગનો લાભ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ। તો અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે શ્રોતાજનો, તે ઉપરાંત સોશિયલ મીડિયા દ્વારા વિદેશોમાં પણ કથાનું શ્રવણ કરી રહેલ દરેક ભક્તોનો
हार्दिक स्वागत करिए छे श्री गोविंदजी मूलजी परिवार वती अने अमारी शुभेच्छाओ अने अभिनंदन पाठवीए छे। श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमरम यद वैष्णव नाम प्रियम, आ श्री चैतन्य महाप्रभुनो मत छे के श्रीमद भागवतम एक अमल पुराण छे। एमां दाखला तरीके कर्मयोग ज्ञान योग एनुं कोई स्थान नथी। भगवानની पवित्र भक्ति, भगवानના ચરણોમાં પવિત્ર ભક્તિ એ જ શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપણને શીખવા મળે છે। અને ભગવાનની ભક્તિનું નિરૂપણ એમાં કરવામાં આવેલ છે। પ્રહલાદ મહારાજ કે જે 12 મહાજનોમાં એક હતા, એ પણ પ્રીચિંગ નવધા ભક્તિનું જ્યારે પ્રીચિંગ કરે છે ત્યારે શ્રવણમ ઉપર વધારે મહત્વ આપે છે। શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ, આ શ્રવણ ભક્તિ જે છે એ પણ બહુ ખૂબ જ અગત્યની છે। શ્રીમદ ભાગવતમનું નિત્ય શ્રવણ કરવાથી આપણા જીવનમાં જીવન મંગલમય થાય છે। અને ભગવતમાં આ પ્રમાણે કહેવામાં આવે છે, નષ્ટ પ્રાયુષુ અભદ્રેશુ નિત્યમ ભાગવત સેવ્યા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર ભવતી નૈષ્ઠિકી, કે નિત્ય ભાગવતનું શ્રવણ કરવાથી ભગવાનના ચરણોમાં આપણી ભક્તિ દ્રઢ થાય છે। ભગવાનના પવિત્ર નામનો મહિમા બી ખૂબ ભાગવતમમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, અને ખાસ કરીને શ્રીમદ ભાગવતમનો છેલ્લો શ્લોક બી નામ સ્મરણ ઉપર જ છે, નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પાપ પ્રણાશનમ પ્રણામો દુઃખ શમનમ સ તમ નમામી હરિમ પરમ। અંતમાં શ્રી લાલ ગોવિંદ પ્રભુના ચરણોમાં પ્રાર્થના કે શ્રીમદ ભાગવત કથાનું રસપાન કરવા કૃપા કરે એવી નમ્ર વિનંતી। સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય। વૃંદાવન ધામ કી જય। નિતાય ગૌર પ્રેમાનંદ હરિ હરિ। હરે કૃષ્ણા 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 હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે હરે ભાવ સે બોલીએ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણા કૃષ્ણા હરે હરે રામ રામ હરે હરે। પરમ સૌભાગ્ય અખિલેશ્વર અકારણ કરુણા વરુણાલય ભક્ત વાંછિત કલ્પતરુ પિતાંબરધારી સુદર્શન ચક્રધારી બજેન્દ્રનંદન શ્યામસુંદર
भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत। ऐसे पवित्र एवं प्रेममयी भागवत कथा श्रवण करने हेतु हम सब इस श्रीधाम वृंदावन में एकत्रित हुए हैं। जिस स्थान पर हम सब उपस्थित होकर 7 दिवस भागवत कथा श्रवण करेंगे, यह श्रीधाम वृंदावन इस संसार का सर्वोच्च स्थान है। प्रायः इस संसार में सब लोग देश विदेश में विचरण करना चाहते हैं। कई सारे लोग गांव से शहर की ओर माइग्रेट हो रहे हैं, तो कई सारे शहरों से विदेश में जा रहे हैं। विदेश में भी संतुष्टि नहीं है तो लोग मंगल पर जा रहे हैं। परंतु आपने कभी सोचा कि इस अखिल ब्रह्मांड में सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? इस पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम यदि कोई स्थान है तो वो है वैकुंठ। कौन सा स्थान है? आप कहोगे वैकुंठ क्यों? नाम ही इसका अर्थ है वैकुंठ। कुंठ माने क्लेश, कुंठ माने कलह, कुंठ माने झगड़ा, कुंठ माने ईर्ष्या, द्वेष। और वैकुंठ माने जहां पर लेश मात्र भी क्लेश नहीं है। वैकुंठ माने लेश मात्र भी कलह नहीं है, जहां झगड़ा नहीं है, जहां प्रेम ही प्रेम है। सो सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? वैकुंठ। तब शास्त्रों को, वेदों को पूछा जाए कि भाई वैकुंठ से भी कोई उत्तम स्थान है? बोले है वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी। बोले वैकुंठ से भी एक उत्तम स्थान है, बताइए कौन सा? वैकुंठ से भी उत्तम है मथुरापुरी। कौन सी पुरी? हम तो भेलपुरी और पानीपुरी से ही टाइम नहीं मिलता, तो मथुरापुरी कहां से? मथुरापुरी। हमारे वेदों में 7 पुरियों का वर्णन है, अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, कांची, काशी, अवंतिका, पुरी, द्वारवतीश्चैव सप्तदा मोक्षदायिका। ये 7 पुरी जो मुक्ति देने वाली है। सबसे उत्तम स्थान है वैकुंठ, परंतु वैकुंठ से भी उत्तम है मथुरापुरी। क्यों? क्योंकि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। मथुरा जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, सो कृष्ण जन्म भूमि मथुरा वैकुंठ से भी उत्तम है। सो दैट्स इट, मथुरा हो गया। कि आगे और कुछ है? मानो वेदव्यास जी को पूछा जाए कि हे वेदव्यास जी, मथुरा से भी कोई उत्तम है? मथुरा से भी आगे? बोले हैं मथुरा से भी उत्तम है श्रीधाम वृंदावन।
बोले वृंदावन क्यों? क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण आज भी रास लीला करते हैं। तत्रापि रात सोच सवाद, यहां निरंतर रास लीला चल रही है। सुब्रज वृंदावन, और वृंदावन में भी गिरिराज गोवर्धन, और गोवर्धन में भी राधा कुंड श्याम कुंड। यह ब्रज 84 कोस सबसे उत्तम स्थान है, और ऐसे ब्रज वृंदावन में हम सब उपस्थित हैं। मैं वृंदावन का स्मरण करूं और वृंदावन का आश्रय लूं और वृंदावन रसिक प्रबोधानंद सरस्वती को याद न करूं, तब तो अपराध हो जाए। ब्रज रसिक श्री प्रबोधानंद सरस्वती अपने वृंदावन महिमामृत के प्रारंभ में ही लिखते हैं कि आज मैं वृंदावन की महिमा लिखने तो जा रहा हूं, लेकिन मैं जो ग्रंथ लिखने जा रहा हूं जिसमें वृंदावन की महिमा है, उस वृंदावन की महिमा स्वयं ईश्वर भी नहीं जानते हैं। कितनी बड़ी बात! वृंदावन की महिमा हम और आप तो दूर रहा, स्वयं भगवान भी नहीं जानते हैं। आप कहोगे क्यों? क्योंकि भगवान श्री विष्णु से अनेकों ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। भगवान श्री विष्णु के रोमकूप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, परंतु ब्रज वृंदावन भगवान विष्णु से प्रकट नहीं हुआ। ब्रज वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की चित शक्ति है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति ही ब्रज के रूप में परिणित हुई है। सो भगवान विष्णु भी इस वृंदावन के बारे में समझने में असमर्थ है। ऐसी पवित्र भूमि वृंदावन है। यदि मैं आपको पूछूं कि राम जन्मभूमि कौन सी, आप तो सीधा कह दोगे राम जन्मभूमि अयोध्या। कृष्ण जन्मभूमि कौन सी? मथुरा। चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि बंगाल मायापुर। यदि मैं आपको पूछूं कि प्रेम की जन्मभूमि कौन सी, राम जन्मभूमि अयोध्या, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि बंगाल, परंतु प्रेम की जो जन्मभूमि है वह है श्रीधाम वृंदावन। ये ब्रज वृंदावन प्रेम राज्य है, ये प्रेम की जन्मभूमि है, यहां प्रेमियों का वास है, यहां प्रेमी जन रहते हैं। 5000 वर्ष पूर्व एक ज्ञानी आया था। कितना बड़ा ज्ञानी था राशेश्वर प्रभु? हमारे भारत में बच्चे पढ़ लेते हैं तो मास्टर्स करने के लिए आपके गांव में आते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड है। तो आजकल के जो है वो हार्वर्ड रिटर्न होते हैं, कैम्ब्रिज रिटर्न होते हैं, ऑक्सफोर्ड रिटर्न होते हैं। कृष्ण के एक सखा थे उद्धव, वो हेवन रिटर्न थे, स्वर्ग में साक्षात डायरेक्ट देवगुरु बृहस्पति से विद्या प्राप्त किए। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्य बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। बड़े ज्ञानी थे उद्धव, और ज्ञान का थोड़ा गुमान भी था, परंतु कृष्ण ने वह ज्ञान का गुमान देखा और उद्धव को ब्रज में भेजा। और जब उद्धव जी अपनी ज्ञान की गठरी को लेकर इस वृंदावन में, इस ब्रज में आए, तो उद्धो सुधो हो गयो। सुन गोपियन के बैन, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। गोपियों ने ऐसा ढोल बजाया, प्रेम का ऐसा ढोल बजाया कि
कि उद्धव की ज्ञान की डुगडुगी सुनाई ही नहीं दी, उद्धव का ज्ञान समझ में ही नहीं आया। कुल मिलाकर ये प्रेम राज्य है, ये प्रेम भूमि है। इस प्रेम राज्य में, इस प्रेम भूमि में हम और आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। इस वृंदावन की महिमा स्वयं ईश्वर भी नहीं बता सकते। इस वृंदावन के बारे में यदि हमें जानना हो, थोड़ा बहुत समझना हो, तो हमारे पास एक ही उपाय है। हम वृंदावन को प्रार्थना करें कि हे ब्रज, हे वृंदावन, आप हम पर कृपा करो कि हम आपको समझ सके। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में जिस स्थान पर हम सब बैठे हैं, उस वृंदावन को हम सब प्रणाम करें कि हे वृंदावन, हे ब्रज, आप हम पर कृपा करो, इस प्रेम को हम समझ सके। तत्पश्चात वृंदावन विहारी, जो वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी, एक सेकंड भी बाहर नहीं जाते। पुराणों में लिखा है, वृंदावनम परितज्यम पादम एकम न गच्छति। ऐसे अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, सर्व अवतारी सर्वोपरि ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम आपको, आपके प्रेम को समझ सकें। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण मम प्रेमापुमर्तो श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदं तत्रादरो नः पर। श्री वृंदावन धाम को प्रणाम। वृंदावन विहारी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। साथ ही साथ वृंदावनेश्वरी, यह पूरी दुनिया कृष्ण के इशारे से चलती है। कविराज गोस्वामी ने कहा, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जाहे देखे नाचाई ते तैछे करे नृत्य। जैसे कठपुतलियों का खेल खिलाने वाला अपनी उंगली के इशारों पर कठपुतलियों को नचाता है, वैसे अपने धाम में बैठे बैठे श्याम सुंदर कृष्ण जगत के जीवों को नचाते हैं। सो एक ईश्वर वो है कृष्ण, और वह कृष्ण अपनी माया रूपी शक्ति से पूरी दुनिया को नचाता है। लेकिन उस कृष्ण को नचाने वाली वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी जिन्होंने अपने प्रेम के वश में, अपनी सेवा के वश में कृष्ण को अपना बना लिया। मैं अक्सर कहता हूं, हमारे भारतवर्ष में
ये जो मिस्त्री समाज है, फर्नीचर बनाते हैं, हमारे मिस्त्री समाज के अधिष्ठाता देव भगवान विश्वकर्मा, श्री विश्वकर्मा, वे विश्वकर्मा के उपासक माने गए। हमारे भारतवर्ष में जो चप्पल सीते हैं, जूते बनाते हैं, उन प्रत्येक दुकान में रैदास जी का फोटो देखोगे आप। रैदास जी को अपने अधिष्ठाता मानते हैं। मिस्त्री के अधिष्ठाता देव विश्वकर्मा, जूते बनाने वालों के अधिष्ठाता देव श्री रैदास जी महाराज, समुद्र के अधिष्ठाता देव वरुण देवता, हमारे वर्षा के, जल के अधिष्ठाता देव इंद्र। तो जो भागवत गाता है, जो भागवत बोलता है, जो श्रीमद् भागवत का स्मरण करता है और जनता को कराता है, उन भागवत का प्रचार करने वाले का अधिष्ठाता कौन? उस भागवत को जगत को सुनाने के लिए शक्ति देने वाला देवता कौन? वो देवता नहीं, वो देवी है, और वो है श्रीमती राधा रानी। भागवत गाने वालों का कि अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा, श्रीमती राधा रानी हम पर कृपा करें, जिनकी शक्ति भक्ति से हम इस भागवत को गा सकें। आइए श्रीमती राधा रानी को हम प्रणाम करें। तप्त कांचन गोरा श्री राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत के रचयिता महामुनि श्री वेदव्यास जी के चरणों में शत शत प्रणाम करें। अखिल जगत गुरु श्री वेदव्यास जी हैं। हम लोग जो भी बोलते हैं, जो भी गाते हैं, वो और कुछ नहीं, वेदव्यास जी का उच्चिष्ट है। श्री वेदव्यास मुनि के चरणों में प्रणाम। और वेदव्यास जी ने तो भागवत ग्रंथ लिखा, उनके बाद मध्यकालीन युग के अनेकों संत आचार्यों ने इस भागवत को अपनी टीका, अपनी कमेंट्री, अपने मत के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। ऐसे श्रीपाद श्रीधर स्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में शत शत वंदन करें। और जिनकी कृपा से, जिन्होंने इस भागवत को इसी वृंदावन में बैठकर लिखा, इस भागवत का अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन किया और फिर इसे लेकर अमेरिका गए और पूरे विश्व में उन्होंने भागवत की ध्वजा लहराई, महामंत्र के धुन में सबको नचा दिया, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में हम शत शत वंदन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जिनके द्वारा लिखे गए भागवत के तात्पर्य को पढ़कर सुनकर आज लाखों लोग अपनी भक्ति का पोषण करते हैं, जिनमें से हम भी एक हैं। तदंतर इस ब्रज वृंदावन का जिन्होंने आश्रय लिया, जिन्होंने कभी भी इस ब्रज को नहीं छोड़ा, ऐसे भागवत के मर्मज्ञ, भागवत भूषण
भागवत भास्कर प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय हमारे गुरुदेव, जिन्होंने इस गंगा के समान पवित्र ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में दीक्षा देकर हमें कृतार्थ किया, ऐसे हमारे गुरुदेव श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। साथ ही साथ दृष्ट अदृष्ट समस्त देवी देवता, श्री तुलसी महारानी और संसार के समस्त वैष्णवों के चरणों में हम शत शत नमन करें। हमारे बीच में हमारे परिवार के मोभी वडील श्री प्रभुदास भाई प्राणनाथ कृष्ण प्रभु उपस्थित हैं, मैं उनके चरणों में वंदन करूं। परम सौभाग्य है कि यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है। कैलाश के शिखर पर एक दिन पार्वती ने महादेव से कहा कि प्रभु मुझे आपसे कुछ चाहिए। अभी अभी विवाह हुआ था शिव और पार्वती का। विवाह के कुछ ही दिन के बाद पार्वती ने जब यह जिज्ञासा की कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो शिव जी थोड़े से मेंटली प्रिपेयर हो गए। जैसे आजकल शादी के बाद पत्नी की एक ही डिमांड होती है, हनीमून कब लेकर जाओगे। सो महादेव ने मैं कभी कभी कहता हूँ वो ऑनलाइन वेबसाइट खोजने भी लगे होंगे कौन सी टिकट अच्छी मिल रही है। शिव जी ने कहा बताओ पार्वती क्या चाहिए। तो पार्वती कहती है कि हे प्रभु मुझे आपके श्री मुख से राम कथा सुननी है। शिव जी ने पहले तो इसे कान ऐसा किया होगा, फिर से बोलो क्या बोले आप। हाँ हाँ प्रभु, माँ पार्वती कहती हैं कि मैं आपके श्री मुख से राम कथा सुनना चाहती हूं। आप विचार करो, जहां पर विवाह के बाद स्त्री और पुरुष के बीच में काम कथा होती है, वहां माँ पार्वती कहती हैं मैं राम कथा सुनना चाहती हूं। तब तुरंत शिव जी के मुख से निकला कि धन्य हो हे पार्वती, तुम धन्य हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। इस धरती के गोले पर पार्वती तुम्हारे समान आज कोई उपकारी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। पार्वती आपने राम जी की कथा की जिज्ञासा की है। भगवान राम या कृष्ण की कथा, कथा बोलने वाले, कथा सुनने वाले और कथा से जुड़े हुए जगत के सभी जीवों को पवित्र कर देती हैं। कितना पवित्र करती हैं? सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे माँ गंगा त्रिभुवन को पवित्र करती हैं, ठीक उसी प्रकार ये भगवत कथा त्रिभुवन को पवित्र करती है। इसलिए पार्वती मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तो इस न्याय से जैसे महादेव ने पार्वती को धन्यवाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दिया, इसी न्याय से मैं इस कथा का आयोजन करने वाले
घगड़ा परिवार को शत शत धन्यवाद देता हूं कि धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आम तो आ गुजराती समाज ने है, मारे जो गुजराती में केवू होय ने तो आ घगड़ा परिवार नी गढ़हूती में कथा छे, कथा रसिक समाज है ये। बचपन से ही श्रीमद भगवत कथा के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था। प्रतिवर्ष श्रीमद भागवत कथा इस परिवार के द्वारा होती है। प्रिय सखी माताजी, उनकी सुपुत्री पल्लवी एवं अन्य पितरों की स्मृति में श्री गोविंद जी मूल जी घगड़ा, उनकी धर्म पत्नी बहना बहन, इस घगड़ा परिवार के द्वारा आयोजित यह सुंदर भागवत कथा, पांचों भाइयों का स्मरण करूं, प्रशांत, कृष्ण प्रभु, चंद्रिका माता, अजीत भाई, पुष्पा बहन, रासेश्वर कृष्ण प्रभु, रसिक भाई, कमलेश भाई, संगीता बहन, मयूर भाई, बीजल बहन, इस परिवार की लाडली बहनों को भी स्मरण कर लूं, इंदु बहन, जमाई ना नाम लेवाना कि नहीं, सो इंदु बहन, रसिक लाल, हंसा बहन, मनसुख लाल, प्रतिभा बहन, राजू भाई, आप सभी भक्तों का, उपस्थित सभी वैष्णवों का और आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोताओं का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। राधे श्याम। इस कथा का लाइव प्रसारण धर्म संदेश चैनल पर हो रहा है और साथ ही साथ आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां हजारों चैनल में, टीवीओ की हजारों चैनल में केवल माया का प्रभाव का दर्शन होता है, ऐसी परिस्थिति में इस आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म, आध्यात्मिक चैनल ने हमारे सनातन धर्म को खड़ा रखा है, हमारे सनातन धर्म को जारी रखा है। इस धर्म संदेश चैनल, आस्था चैनल पर हमारे अनेक भागवत कथा के वक्ता प्रवक्ता सनातन धर्म को जागृत रखे हैं। मैं उन भक्तों के चरणों में भी शत शत वंदन करूं कि जहां आपका निरंतर प्रवचन कथा हो रही थी वहां 3 घंटा हमको बिठाया गया है। आज पूरे विश्व में नव वर्ष मनाया जा रहा है, आज पूरे संसार में हैप्पी न्यू ईयर मनाया जा रहा है। वैसे थोड़ा सा विचार किया जाए तो हमारे सनातन धर्मियों का नव वर्ष, जिसे हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, सो हिंदू धर्म, सनातन धर्मियों का नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रथम मास है और फिर नवमी को राम जी का प्राकट्य है। कारण यह है कि हमारे पुराणों के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने
इस सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया था। सो जिस दिन ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि बनाई वो थी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इसलिए सनातन धर्म हिंदू धर्मियों के द्वारा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रथमा को होता है। हमारे भारत वर्ष में जो बंगाल से हैं और बंगाल में भी जो गौड़ीय है उनका नव वर्ष जिसे गोराब्द कहते हैं, जिनका नया साल फाल्गुन पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, जिस दिन कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है, ये गौड़ीय लोगों का नव वर्ष प्रारंभ होता है। सो सनातन धर्मियों का नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गौड़ीय का नव वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा। हमारे दक्षिण भारत में नव वर्ष जो शुरू होता है ओणम से, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी से दक्षिण भारतीय लोगों का नव वर्ष शुरू होता है। और आगे चलें तो हमारे देश में पारसी समाज है, बोरी वाला, कांदी वाला, ये जितने भी हमारे नाम पड़े ना ये सब पारसी समाज से, बाटली वाला। सो पारसियों का नव वर्ष पतेती से शुरू होता है, ये सबके अलग अलग दिन है। पंजाब में नया साल वैशाख प्रतिपदा से शुरू होता है, वैशाख महीने की प्रथमा से। हमारे भारत में जैन समाज है, जैन बंधुओं का नव वर्ष कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है, कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन से शुरू। इस्लाम का नव वर्ष मोहर्रम के प्रथम दिन से शुरू होता है और ईसाई क्रिश्चियन ईसाई का नव वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है। सो आज ये जो नव वर्ष शुरू हुआ है ये ईसाई लोगों का नव वर्ष है। लेकिन हमारे भारतीय बड़े उदार है, हमारे भारतीय सनातन धर्मी बड़े महान है कि वे दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी मनाते हैं। मेरे देश के लोग कितने बड़े दिल वाले हैं आप देखो तो सही। वैसे सनातनियों का नव वर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये तो ईसाई का नव वर्ष है, लेकिन फिर भी हम लोग कितने प्रेम से, कितने आनंद से भारत की जनता नव वर्ष मना रही है, कितनी महानता है। देखिए, दूसरों के सुख को देखकर जो दुखी होता है वो अच्छी बात नहीं है, वो दोष है, उसे कहते हैं ईर्ष्या, जो आप लोगों में तनिक भी नहीं है। दूसरों की प्रगति को देखकर, दूसरों के सुख को देखकर हृदय में दुख होना, जलन होना, इसे ईर्ष्या कहते हैं। लेकिन दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना ये महानता है। हमारा देश आज जहां ईसाइयों का नव वर्ष होता है तो हमारे देश के लोग भी नव वर्ष मनाते हैं, ये इस जनता की महानता है, इनका बड़ा दिल है, बड़े दिल की निशानी है। यदि गुण ही देखना हो तो इस प्रकार से देखा जा सकता है। लेकिन आज ही मैं यहाँ वॉकिंग कर रहा था सुबह सुबह, तो कुछ लोग पेपर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और चर्चा कर रहे थे, बेचारे दुखी थे वो दोनों जो चर्चा कर रहे थे। बोले कल 31 दिसंबर थी और लोगों ने बहुत वाइन पी, वाइन शराब लिकर, तो एक स्पेशल शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे वाइन, तो बहुत वाइन पिए, बहुत वाइन पिए, कोई बात नहीं, जो अज्ञान में है जो वाइन पीते हैं पीने दीजिए। हम लोग ईसाइयों के नव वर्ष की शुरुआत वाइन से नहीं, डिवाइन से करेंगे, डिवाइन से करेंगे।
बस हमारी जर्नी केवल इतनी है कि वाइन से डिवाइन तक लेकर जाना है। ये जो शराब का नशा हो चुका है उसे डिवाइन दिव्यता का अध्यात्मता का नशा, और अध्यात्म में भी सबसे बड़ा नशा भगवत कथा का नशा होता है, कथा का नशा। अब कल रात को जिन जिन ने पी होगी, बेचारे वो चर्चा कर रहे थे वाइन के बारे में, तो कितना घंटा नशा रहा होगा, 2, 5, 10 घंटा। लेकिन यदि कोई भगवत कथा सुन लेता है तो कथा का दिव्य नशा जीवन भर तक रहता है, जीवन भर तक। सो हम लोग वाइन के नशे में नहीं, हम लोग डिवाइन के नशे में है, दिव्य कथा के नशे में है। सो आइए श्रीमद् भगवत कथा, श्री वेदव्यास मुनि भागवत जी में यह कथा प्रारंभ करते हैं और मन ही मन अपने श्रोताओं को एक दिव्य स्थान पर लेकर जाते हैं, और वह स्थान है नैमिषारण्य। श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत सहस्त्रम सममासत। श्रीमद् भागवत की शुरुआत करते हुए श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं कि एक बड़ा पवित्र स्थान है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, इस स्थान का नाम नैमिषारण्य क्यों हुआ? पुराणों में अनेकों कथाएं हैं। जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग प्रारंभ हुआ, संसार के समस्त ऋषि मुनि एकत्रित हुए और ऋषि मुनियों ने सोचा कि घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में विश्व शांति लाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या करें? हम यज्ञ करेंगे। परंतु ये यज्ञ कहां करें? ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो? समस्त ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, कृपया कर आप हमें निवेदन कीजिए कि इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां कली प्रभाव न है, नहीं है, जहां हम लोग यज्ञ कर सके। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र का निर्माण किया और वह चक्र ब्रह्म लोक से घूमता 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 हमारे भारत में लखनऊ स्थान है, वहां से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर आकर गिरा। चक्र की नौमी वहां पर क्षीण हुई, अतः उस स्थान का नाम हुआ नैमिषारण्य। और भी अनेकों कारण है कि उस क्षेत्र में निमिष गोत्र के ऋषि रहते हैं, इसलिए उस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य हुआ, या फिर वहां पर निमिष नाम के अनेकों वृक्ष है इसलिए उसे नैमिषारण्य कहते हैं। और वराह पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने इस क्षेत्र में अपनी निमिष काल मात्र में लाखों असुरों का वध कर दिया। सो अपने निमिष काल में अनेकों असुरों को मारा, इसलिए इस क्षेत्र को नैमिषारण्य कहते हैं। सो कुल मिलाकर संसार के समस्त ऋषि मुनि, संख्या के अनुसार संतों का ऐसा मानना है, 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए
और एकत्रित होकर संकल्प किए सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत, हम 1000 वर्ष का यज्ञ करेंगे, ऐसा यज्ञ जो 1000 वर्ष तक चलेगा। ऋषि मुनियों ने संकल्प कर लिया और यज्ञ प्रारंभ किए। अब कभी कभी कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं, 2-5 दिन के बाद होता है कि यार नहीं किया होता तो अच्छा था। कुछ ऋषि मुनि डिस्कशन करने लगे, चिंता करने लगे, 1000 वर्ष के यज्ञ का संकल्प किया है, 1000 वर्ष तक हमको भोजन कौन देगा, हमको वस्त्र कौन देगा। तब उन ऋषियों के बीच में एक वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध ऋषि जिनका नाम है शौनक ऋषि, जिनकी भगवान के चरणों में परम प्रीति है, ऐसे शौनक जी कहते हैं कि ऋषि मुनियों आप लोग भोजन पानी की चिंता करते हो, भोजन अच्छा दने चिंता वृथा कुर्वंती वैष्णवा, वैष्णव होकर भोजन पानी की चिंता। अरे जिस प्रभु के लिए हम लोग यहां पर आए हैं उस प्रभु का नाम है विश्वंभर। विश्वंभर, विश्वंभर का अर्थ होता है जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है। जिस प्रभु के लिए हम लोग यहां पर आए हैं उस प्रभु का नाम है विश्वंभर, वो विश्वंभर जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है। हम और आप उस प्रभु के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो क्या वो हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे? जो विश्व का भरण पोषण करता है हमारा भरण पोषण क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। यज्ञ शुरू हुआ, धीरे धीरे दिन महीने बीतने लगे। एक दिन की बात, वेदव्यास मुनि लिखते हैं, एकदा तु मुनय प्रातर्हूत हुताग्नय सत्कृतं सुतमासीनं प्रपचो इदमादरा। एकदा यज्ञ चल रहा था और उनमें एक दिन की बात, किसी ने उन ऋषि मुनियों को समाचार दिया कि हे यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों एक खुश खबर है। क्या? बोले रोम हर्षण सूत के पुत्र श्री उग्र श्रवा सूत श्रीमद भागवत के परम मर्मज्ञ, श्रीमद भागवत के महान ऋषि श्री सुखदेव गोस्वामी से अभी अभी भागवत सुनकर हमारे नैमिषारण्य में आ रहे हैं। जब भागवत के मर्मज्ञ सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में आ रहे हैं ये बात ऋषि मुनियों ने सुनी तो सारे ऋषि मुनि मीटिंग करने लगे। एजेंडा क्या था? बोले भागवत के वक्ता सूत जी आ रहे हैं तो अब हम क्या करें, यज्ञ करें कि भागवत करें? सभी ऋषियों ने एक स्वर से निर्णय लिया कि भागवत के महान वक्ता सूत जी यदि यहां पर आ रहे हैं तो हम यज्ञ नहीं करेंगे, हम भागवत करेंगे। तो बोले यज्ञ को छोड़ देंगे? बोले छोड़ना कहां है, भागवत भी यज्ञ है और हम जो कर रहे थे वो भी यज्ञ है। और शास्त्र में लिखा है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ कोटि गुना श्रेष्ठ है और श्रीमद् भागवत तो ज्ञान यज्ञ नहीं प्रेम यज्ञ है। सारे ऋषि मुनियों ने निर्णय लिया, यज्ञ बंद किया और सूत जी का स्वागत किया। कुछ ऋषि मुनियों ने सोचा सूत जी आएंगे यज्ञ को देखकर कहेंगे कि मैं भागवत नहीं सुनाऊंगा, आप लोग यज्ञ जारी रखिए। ऐसा सोचकर कुछ ऋषि गए धेनुमति नदी का जल, धेनुमति बहती है नैमिषारण्य में, तो उस धेनुमति गोमती का जल लेकर आए और यज्ञ कुंड में डाल दिए। कुछ ऋषि मुनि
धूल माटी लेकर आए और यज्ञ में डाले, यज्ञ को शांत किया, सूत जी का स्वागत किया, उच्च आसन पर बिठाए, सूत जी की पूजा किए और सभी ऋषि मुनि सूत जी को जिज्ञासा करने लगे हैं। बहुत सुंदर कहते हैं कि हे सूत जी, आपने सभी पुराणों को पढ़ा है और केवल पुराणों को पढ़ा ही नहीं, उस पुराणों पर आपने व्याख्या की है। त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानग आख्यातानप्यधीतानि धर्म शास्त्राणि चान्युतः। आपने इतिहासों को पढ़ा है, धर्म शास्त्रों को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है और उन पर अनेकों बार व्याख्या की है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ना और उस पर बार बार व्याख्या करने से चित्त पर उसका बड़ा प्रभाव होता है। सो जी, आपके चित्त पर इन धर्म शास्त्र और पुराणों का पूर्ण प्रभाव है और हम ये भी जानते हैं कि यह पुराण, यह ग्रंथ, यह शास्त्र लिखने वाले श्री वेदव्यास मुनि जितना जानते हैं उतना ही ज्ञान आपके अंदर है। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण। बादरायण भगवान व्यास जितना जानते हैं सूत जी, उतना ही आप जानते हो। सूत जी ने कहा, इतनी इतनी प्रशंसा मत करो, मैं कोई इतना महान ज्ञानी नहीं हूं। बोले, हम जानते हैं, आपने अपने गुरु की ऐसी सेवा की है, ऐसी सेवा की है कि आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपके गुरु ने सारे वेदों का ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित कर दिया है। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। हे सूत जी, आप परम ज्ञानी हो, इसलिए हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं, जिज्ञासा करते हैं। अब देखिए, अब भागवत शुरू हो रहा है। भक्तों, श्री वेदव्यास मुनि ने चार वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण और इन सब को सूत्र में बांधा, वेदांत सूत्र के रूप में। और वेदांत सूत्र का प्रथम मंत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ अतः माने देयर फॉर, इसलिए। किस लिए? हम लोग 84 के चक्र काट कर, कभी गाय, कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी जलचर, कभी नभचर, कभी स्थलचर, ये 84 लाख योनियों के चक्र काटने के बाद जब मनुष्य जीवन मिला है, अतः इसलिए जब मनुष्य जीवन मिला है तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। और किसके लिए जिज्ञासा? ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए जिज्ञासा। यह मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिलने के बाद हम और आप यदि ब्रह्म जिज्ञासा न करें तो व्यास जी की दृष्टि से हम मनुष्य नहीं, हम मनुष्य के रूप में पशु हैं। येषान विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगार चरंती। दिखने में तो मनुष्य है लेकिन पशुओं की तरह हमारा जीवन है। पशु क्या करते हैं? पशु खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं। हो सकता है पशु रोड पर खाते हैं, मनुष्य डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, लेकिन खाते दोनों हैं। पशु सोते हैं, मनुष्य भी सोते हैं। पशु डरते हैं, मनुष्य भी डरते हैं। पशु विवाह करके संतान उत्पत्ति करते हैं, मनुष्य भी वही कर रहे हैं। पशुओं से कुछ हटके, कुछ विशेष हम क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं? व्यास मुनि कहते हैं, एक चीज कर सकते हैं और वो है ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा। किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ जो है ना,
जिज्ञासा से होता है, प्रश्न से होता है। रामायण में याज्ञवल्क ऋषि के चरणों में भरद्वाज ऋषि ने पूछा कि राम कौन है, मैं राम के विषय में नहीं जानता हूं। याज्ञवल्क जी कहते हैं, इतने बड़े साधु हो राम के बारे में नहीं जानते, मुझे पता है कि आप राम के बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी आप जिज्ञासा कर रहे हो क्योंकि आपकी राम के चरणों में प्रीति है, और जिसकी प्रभु के चरणों में प्रीति होती है वो प्रभु की कथा सुनना चाहता है, प्रभु के बारे में जानना चाहता है। दाढ़े लागे पूछे जानी साधु र स्वभाव, ये साधुओं का स्वभाव होता है कि वो कभी कभी जानते हैं फिर भी पूछते हैं। सो भरद्वाज ऋषि ने जिज्ञासा की तो राम कथा रामायण जैसा ग्रंथ मिल गया। वहां कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन ने जिज्ञासा की तो कृष्ण के मुख से गीता प्रकट हो गई, और यहां पर हमारे भारत के ऋषि मुनि जिज्ञासा कर रहे हैं, और इस जिज्ञासा के फलस्वरूप भागवत कथा प्रकट हो जाएगी, भागवत कथा प्रकट होगी। अब मैं आप सब की दृष्टि ऋषियों के जिज्ञासा पर लेकर आना चाहता हूं। ऋषि मुनियों ने श्रीमद् भागवत के मूल में जिज्ञासा की और 6 प्रश्न पूछे, कितने? 6। भागवत यदि इमारत है, श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद 335 अध्याय, मानो 335 फ्लोर की इमारत है भागवत, लेकिन उस 335 माले की इमारत के जो पिलर है वो है 6 प्रश्न। इस बहुत बड़ी इमारत के 6 प्रश्न हैं जो 6 ऋषि मुनियों ने पूछे हैं, ये 6 पिलर है, फाउंडेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम। अच्छा, ये 6 प्रश्न कौन से हैं? तो कहते हैं, किम श्रेय शास्त्र सारह स्व अवतार प्रयोजनम्, किम कर्म कोयवतारश्च धर्म क शरणम् गता। इस एक श्लोक में ऋषि मुनियों के 6 प्रश्न बताए गए हैं। एटलीस्ट ये 6 प्रश्न आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा, किम श्रेय, जीव का कल्याण कैसे होगा इस संसार में, ये जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, जो मनुष्य है, उसका कल्याण कैसे होगा, किम श्रेय। अब प्रश्न इतना सा, लेकिन इस प्रश्न को समझाने के लिए सूत जी को भागवत कहनी पड़ी, भागवत बोलना पड़ा। संक्षिप्त में यदि मैं आपका इसका उत्तर देते चलूं तो किम श्रेय का उत्तर है, जीव का कल्याण कैसे होगा, चाहे आप कितनी भी भागदौड़ कर लो, कितना भी माथा मार लो, जब तक ये जीवात्मा परमात्मा से प्रेम नहीं करेगी तब तक जीव का आत्यंतिक कल्याण नहीं होगा, प्रेम करना होगा। पूरी भागवत सुनाने के बाद कंक्लूजन यही आने वाला था, मैंने आपको पहले बता दिया। जीव का श्रेय कैसे, जीव का कल्याण कैसे होगा, चाहे कुछ भी कर ले, जब तक भगवान से वो प्रेम नहीं करेगा उसका पूर्ण रूप से आत्यंतिक कल्याण नहीं हो सकता है। सो ये पहला प्रश्न था, किम श्रेय। मैं श्लोक में यदि इसका उत्तर दूं, सूत जी ने जो आगे कहा, सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षज अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति, आत्मा की प्रसन्नता एकमात्र
परमात्मा से प्रेम करके ही हो सकती है। हम और आप सुखी होने के रात दिन प्रयास करते हैं, लेकिन ये सारे प्रयास शरीर के लिए करते हैं। कहाँ अच्छा भोजन मिल जाए, कहाँ अच्छा खाना मिल जाए, सोना मिल जाए, रहना मिल जाए, घूमना मिल जाए। परंतु हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का श्रेय, आत्मा का कल्याण परमात्मा से प्रेम करके ही हो सकता है। एक दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारह क, चलो ये बात तो समझ में आ गई कि आत्मा का कल्याण परमात्मा से प्रेम करने से होगा, लेकिन उस परमात्मा के प्रति प्रेम को प्रकटाने के लिए जो शास्त्र लिखे गए हैं, उस शास्त्र का सार क्या है? किसने पूछा? ऋषि मुनियों ने। कितने बुद्धिमान निकले ऋषि मुनि, क्या प्रश्न पूछा। शास्त्रों का सार, सूत जी ने थोड़ी सी चुटकी ली, कहते हैं भाई आप लोग ही शास्त्र पढ़ लो, मुझे क्यों पूछ रहे हैं। दुनिया वाले शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्र का सार समझेंगे। ऋषि मुनियों ने कहा दुनिया वालों के पास टाइम ही कहाँ है। बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं, प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयः मंद भाग्य उपद्रुता। आदमी के पास टाइम कहाँ है। प्रायेण अल्प आयुष्य, एक तो उम्र कम, आयुष्य कम, सब आयु मिलाकर पंच दशा कल्पांत न जान गुमान असा। इसे गिन चुन कर आप हिसाब जोड़ो, आपका खाना सोना, बीमार होना और बूढ़े होने के बाद जो बेड पर पड़े रहोगे वो सब माइनस कर दो, तो हम लोग 50 साल से ज्यादा नहीं जीने वाले हैं। सब आयु मिलाकर पंच दशा, लेकिन हमारे प्लान कितने हैं? 2-5 करोड़ वर्ष तो हम जी जाएंगे। ये जो हम आजकल भागदौड़ में लगे हैं, हमारे प्लानिंग इतने हैं कि बस 2-5 करोड़ तो निकाल ही देंगे। सो प्रायण अल्प आयुष्य बड़ी कम है, और यदि आयुष्य मिल भी जाए तो वेदों को पढ़कर समझने वाली बुद्धि किसकी है, और फिर उसका सार कौन समझेगा? आप ही बता दीजिए, शास्त्र सारह क, शास्त्रों का सार क्या है। अब पता नहीं सातवें दिन आप लोग आओगे कि नहीं, और जब सातवें दिन आ भी गए तो ये प्रश्न भूल जाओगे। पहले दिन कौन सा प्रश्न पूछा था ये भूल, इसलिए मैं साथ ही साथ, सूत जी ने तो बहुत बाद में कहा, लेकिन मैं तुरंत इसका उत्तर पहले ही दे दूं। शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार एक ही शब्द में है भक्तों, एक ही शब्द में। जैसे हमारे देश में अनेकों नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, अलकनंदा, नर्मदा, ये सारी नदियां भारत के अनेकों राज्य से गुजरकर, अनेकों स्टेट से निकलकर आखिर कहां जाकर मिलती हैं? समुद्र में। नदियों के स्रोत अलग, नदियों का बहना अलग, लेकिन सारी नदियां जाती है केवल एक जगह पर, समुद्र में। जैसे अनेकों नदियां अनेकों स्थानों से गुजरकर लास्ट में मात्र समुद्र में जाकर मिलती है, वैसे शास्त्र अनेकों है, शास्त्र में कथा भी अनेकों है, लेकिन सारे शास्त्रों का एकमात्र सार है हरि नाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम हरे हरे। मैं आपको बहुत बड़ा पासवर्ड दे रहा हूं, आजकल कथाएं बहुत होती हैं, ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी आपके मन में प्रश्न हो कि ये जो ज्ञान दे रहा है ये शास्त्र का सही ज्ञान दे रहा है, ये चेक करना हो, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? कि जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मैं शास्त्र बोल रहा हूं,
उनका कंक्लूजन क्या हरि नाम है? क्योंकि शास्त्रों का सार एकमात्र हरि नाम है। यदि कोई शास्त्र बोल रहा है और उनका कंक्लूजन हरि नाम है तब तो वह ठीक जा रहा है, लेकिन शास्त्र बोलकर कुछ और ही सिद्ध करना चाहते हैं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो जीव का कल्याण भगवत प्रेम और शास्त्रों का सार हरि नाम। हरि नाम की महिमा आप सब जानते ही हैं। तो दो प्रश्न हो गए, राइट? अब मैं थोड़ा क्रम तोड़कर लास्ट प्रश्न ले लूं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? टोटल 6 प्रश्न है, राइट? सो 2 प्रश्न। अब लास्ट प्रश्न है, धर्मम कह शरणम गतः, धर्मम कह शरणम गतः। जब भगवान श्री कृष्ण या राम जी जब धरती पर थे तो अपने आचरण से धर्म का पालन किए और धर्म का उपदेश दिए, चाहे राम हो या कृष्ण। लेकिन राम जी जब साकेत चले गए और कृष्ण अपने गौलोक चले गए तो भगवान के चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? हमें यदि धर्म के बारे में जानना हो तो हम कहां जाए? तब कहते हैं कि जब राम और कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हुआ, जब चंद्र अस्त हुआ, तब पुराण रूपी भागवत रूपी पुराण सूर्य उदय हो गया। सो भागवत धर्म जो है भागवत की शरण में गया। हमें आपको यदि धर्म के बारे में जानना हो तो भागवत की शरण ग्रहण करनी होगी, ठीक है? 3 प्रश्न हुए, ओके। अब ऋषि मुनियों के कितने प्रश्न थे टोटल? उसमें से 3 प्रश्न आप समझ गए कि जीव का कल्याण कैसे होगा, शास्त्रों का सार क्या है और धर्म किसकी शरण में गया। अब बचे कितने? अब ये जो 3 प्रश्न है वो केवल एक ही टॉपिक के ऊपर है। ये जो बचे 3 प्रश्न, ये तीनों प्रश्न केवल एक ही फोकस किया है? वो प्रश्न है स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, एक। दूसरा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हैं, दूसरा। भगवान अवतार लेकर क्या क्या करते हैं, तीसरा। आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि 3 प्रश्न अलग अलग चीज के पूछ लिए, फिर जो 3 प्रश्न थे वो केवल भगवान के अवतार के विषय में पूछे हैं। इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान के अवतारों की कितनी महिमा है। एक पहली बार पूछ लिया कि स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। रुको रुको सुजी, और एक प्रश्न है कि किम कर्म, भगवान अवतार लेकर क्या करते हैं। रुकिए, और एक, भगवान के कितने अवतार हैं, क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हैं वे सब शुभ देने वाले हैं, हमारा मंगल करने वाले हैं। ईसाइयों का ही सही, लेकिन आज नव वर्ष है, हैं? तो हमारे आपके जीवन के अभ्युदय के लिए श्री व्यास मुनि कहते हैं कि भगवान के अवतारों की कथा हमारे जीवन का अभ्युदय करती है, हमारे मंगल के भाग्य के दरवाजे खोल देती है, अवतारों की कथा। सो अथ क्या ही हरेर धीमन अवतार कथा शुभा। हे सुत गोस्वामी, भगवान के अवतार परम मंगलमय, परम शुभ, कल्याण करने वाले, भाग्य के दरवाजे को खोलने वाले, कृपया करके आप भगवान के अवतार की कथा सुनाइए। सो हम लोग ये जो 3 प्रश्न भगवान के अवतार के विषय में पूछे गए हैं हम उसी पर फोकस करें, और हमारा अगला प्रश्न ये हो सकता है कि भगवान के अवतार कितने हैं। भगवान के अवतार कितने हैं, सूत जी कहते हैं कि ये प्रश्न मुझे थोड़ा सा
सुजी एग्जांपल देते हैं कि तो पहले मुझे ये प्रश्न का उत्तर दो, समुद्र में लहर कितनी है? ऋषियों ने पूछा कि भगवान के अवतार कितने? सुजी कहते हैं समुद्र में लहर कितनी है? ऋषियों ने कहा समुद्र की लहर गिनना असंभव, तो बोले भगवान के अवतार को गिनना भी असंभव, क्योंकि अवतारा असंख्या ही हरेर सत्व निधे द्विजा। जैसे एक बहुत बड़े जलाशय से अनेकों नाले निकलते हैं, वैसे सत्व के स्त्रोत्र से अनेकों अवतार प्रकट होते हैं। इसलिए ये कहना कि भगवान के इतने अवतार हैं तो गलत। कितने ही अवतार हो सकते हैं। अरे भाई, आज भी आप यदि प्रेम से पुकारो ना तो यहां भगवान प्रकट हो जाए। आज भी भगवान का अवतार हो सकता है, असंख्य अवतार। लेकिन उन असंख्य अवतारों में से सुध गोस्वामी कहते हैं कि मैं 24 अवतार आपको गिनाऊंगा, 24 अवतार की कथा। वैसे भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन असंख्य अवतारों में सूत जी ने कहा कि 24 अवतार। सूत जी के बाद मध्यकालीन युग में श्री जगन्नाथ जी के कृपा पात्र और जिन्होंने एक अद्वितीय ग्रंथ लिखा माधुर्य लीला मंडित, वासंती रास का जिन्होंने वर्णन किया, ऐसे महाकवि श्री जयदेव गोस्वामी। श्री जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान के 10 अवतार का जिक्र किया। पहले तो भगवान के असंख्य अवतार, उन असंख्यों में से सूत जी ने 24 अवतार या वेदव्यास जी ने 24 अवतार कहे। लेकिन उनमें भी यदि मुख्यता के रूप से देखा जाए तो महाकवि श्री जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतार का वर्णन किया। वे 10 अवतार कौन से हैं? जयदेव गोस्वामी वेदानुदरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विव्रते दैत्यं दारयते बलिं चलयते शत्रशयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्च्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तु नमः। महाकवि श्री जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद के प्रारंभ में 10 अवतार दशावतार स्तोत्र का वर्णन करते हैं, लेकिन उनके प्रारंभ में 10 अवतार का जिक्र किए। प्रथम मत्स्य अवतार शिवा जयदेव गोस्वामी कहते हैं, दूसरा कुर्म अवतार, तीसरा है वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां बलराम अवतार, नौवां बुद्ध अवतार और दसवां कल्कि अवतार। तो अब मन में ये मूड बन रहा है कि श्रीमद् भागवत में से जिस प्रकार श्री जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतार का जिक्र किया, हम इन 7 दिनों में भगवान श्री केशव भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतार की कथा श्रवण करेंगे। ठीक रहेगा?
यदि आज से शुरू करें तो आज क्योंकि प्रथम दिन है, भूमिका में ही आधा दिन हो गया, तो प्रथम दिन में हम मत्स्य अवतार की कथा सुने आज, ठीक है। कल दूसरा दिन है तो कल भगवान के कुर्म अवतार और वराह अवतार की कथा सुनेंगे दूसरे दिन। भाई ये हमारा अनुमान है, फिर बाद में तो भगवत इच्छा, वो कब प्रकट होना चाहे तो भगवान कब प्रकट होना चाहे वो तो उनकी इच्छा से आते हैं, लेकिन हमारा अनुमान कुछ ऐसा है कि प्रथम दिन में मत्स्य अवतार की कथा सुने, दूसरे दिन में कुर्म अवतार और वराह अवतार की कथा सुने, तृतीय दिन तीसरे दिन में नरसिंह अवतार की कथा। वैसे जब भागवत सप्ताह होती है तो नरसिंह अवतार आधा घंटा मैक्सिमम, लेकिन हम लोग तीन तीन घंटे एक एक अवतार की कथा सुनेंगे। चौथे दिन में भगवान के वामन अवतार और परशुराम अवतार की कथा सुनेंगे। पांचवे दिन राम अवतार की कथा सुनेंगे। छठे दिन श्री बलराम अवतार की कथा और सातवें दिन बुद्ध और कल्कि अवतार की कथा सुनेंगे। ये अनुमान बैठ रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? ठीक है नहीं है? फिर बाहर जाके बात नहीं करोगे ना कि हमको ये है? प्रभुदास भाई बराबर यजमान को पूछ लेते हैं, राशेश्वर प्रभु, ठीक है। सो वैसे जीवन के प्रारंभ में, नव वर्ष के प्रारंभ में, नव ग्रंथ के प्रारंभ में अवतारों के चरित्र सुनना ये एक परिपाटी है। और योगानुयोग आज ईसाई का नव वर्ष है और पूरी दुनिया नव वर्ष मना रही है, तो आइए यह 2024 वर्ष 2024 हमारा निर्विघ्न हो और इस 2024 में लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम कुछ नया करेंगे, नया करेंगे। नया यही करना है कि पुराने विचारों को त्याग कर नए विचार लाना है। पुरानी जो दुश्मनी है, पुरानी शत्रुता, पुराना जो द्वेष है उसे छोड़कर नया। किताब के जिस पत्तों में आपने लिख दिया है वो तो लिख दिया, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आगे जो खाली पत्ते पड़े हैं उस पर ध्यान दीजिए, वो तो हमारे हाथों में है। अब जो पत्ते लिखे गए हैं वहां कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आने वाला 2024 वर्ष 2024 वो तो पूरा ब्लैंक है, साफ है। अब हमें लिखना है हम क्या लिखें। पुराने विचारों को त्यागे, पुरानी ग्रंथियों को छोड़े और नए विचार, नई चेतना। और नया विचार कब आएगा? जब भागवत कथा सुनेंगे, श्रीमद् भागवत, क्योंकि कृष्ण का स्वरूप है और कृष्ण के विषय में कहा गया अमार माधुर्य नित्य नव नव है। कृष्ण प्रति मिनट प्रति सेकंड कुछ नया होता है, कृष्ण कभी पुराना नहीं हुआ। आज भी हमारे ब्रज में बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। अरे भाई पिछली बार आए तब भी वही बांके बिहारी थे, उसके पहले आए तो वही थे, लेकिन ये बांके बिहारी, ये श्याम सुंदर नित्य नवीन है, हर घड़ी हर पल ये नया होता है। और श्रीमद् भागवत उसी कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, इसलिए भागवत भी प्रति घड़ी प्रति समय नया है। भागवत गंगा के समान, गंगा नदी में आप खड़े हो और जो जल आपको स्पर्श करके चला गया वो गया, वो दोबारा नहीं लौटता। भागवत गंगा के समान नित्य नवीन है। तो 2024 नव वर्ष का प्रारंभ एक नए विचार, नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ भगवान के 10 अवतारों की कथा सुनकर हम करेंगे। अब आइए तो फिर
मत्स्य अवतार, ये जयदेव गोस्वामी ने मत्स्य अवतार के विषय में जो गाया, जो कहा, उसे एक पंक्ति हम गा लेते हैं और फिर मत्स्य अवतार की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्रचरित्रमखेदम्। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्रचरित्रमखेदम्। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्रचरित्रमखेदम्। प्रलय पयोधि चले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्रचरित्रमखेदम्। केशवद्रीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। गाइए जय केशवद्रीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवद्रीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हे जय केशवधीता बाउसे न शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कथा का शीर्षक होगा दशावतार, और प्रथम अवतार की कथा श्री मत्स्य अवतार, मीन अवतार। भगवान के अनेकों अवतार हैं, वे अनेकों अवतार अनेकों प्रकार के माने गए हैं। मुख्य रूप से भगवान के छह प्रकार के अवतार होते हैं। उनमें से मत्स्य अवतार कौन से प्रकार का है ये समझना है। एक होता है भगवान का पुरुषा अवतार, पुरुषावतार संसार का सर्जन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो अवतार लेते हैं उसे पुरुषावतार कहते हैं। दूसरा होता है गुणा अवतार, सृष्टि को चलाने के लिए गुणों को स्वीकार करके जो अवतार होता है उसे गुणा अवतार कहते हैं। जैसे इस सृष्टि को चलाने के लिए सत्व गुण की आवश्यकता है, तो भगवान श्री कृष्ण जब सत्व गुण को स्वीकार करते हैं तो बन जाते हैं विष्णु। इस सृष्टि को बनाने के लिए रजोगुण की आवश्यकता होती है, तो भगवान श्री कृष्ण रजोगुण को स्वीकार करते हैं तो बन जाते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा भगवान का रजोगुण से अवतार है,
विष्णु सत्व गुण से अवतार है और सृष्टि का प्रलय करने के लिए तमोगुण की आवश्यकता होती है। जब भगवान श्री कृष्ण तमोगुण स्वीकार करते हैं बन जाते हैं रुद्र अवतार शिव महादेव। आप इसका अर्थ ये मत समझिए कि भगवान हमारी तरह रजोगुणी हो जाते हैं, हमारी तरह तमोगुणी हो जाते, नहीं। हम में और भगवान में अंतर है। भगवान जो है विशेष कार्य करने के लिए इन गुणों को स्वीकार करते हैं, हम लोग गुणों को स्वीकार नहीं करते, गुण हमको स्वीकार कर लेता है। मतलब हम क्रोध को स्वीकार नहीं करते, क्रोध हमको अपनी चपेट में ले लेता है, हम टोटल क्रोध में आविष्ट हो जाते हैं। सो ये दूसरे प्रकार का अवतार है गुणा अवतार। एक है पुरुषा अवतार, दूसरा है गुणा अवतार, तीसरा है लीला अवतार। संसार के जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करके भगवत प्रेम प्रकटाने हेतु भगवान लीला करते हैं और उस लीला करने के लिए जो अवतार लेते हैं उसे लीला अवतार कहते हैं। तीन हुए, पुरुषा अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार। चौथा है शक्त्यावेश अवतार। भगवान के अनेकों प्रकार अनेकों अवतार हैं, उनमें से कुछ अवतार शक्त्यावेश अवतार हैं। तत्व से देखा जाए तो कोई जीव है, हमारी आपकी तरह कोई जीव, परंतु उस जीव में भगवान अपनी विशेष शक्ति आवेशित करते हैं, शक्ति आवेशित करते हैं, इसलिए वो बन जाता है शक्त्यावेश अवतार। जैसे कि नारद, नारद जी जीव तत्व है, उनमें भगवान की विशेष शक्ति आवेशित है तो वे शक्त्यावेश अवतार। जैसे वेदव्यास, जैसे पृथु महाराज, ये सब शक्त्यावेश अवतार है। कितने हुए? चार प्रकार के हुए। अब भगवान के पांचवें प्रकार का जो अवतार है वो है युगा अवतार। युग में प्रकट होते हैं। युग अवतार का मेन उद्देश्य होता है युग धर्म की स्थापना। जब कोई युग शुरू होता है तो युग के प्रारंभ में प्रभु का एक अवतार होता है उस युग के धर्म को बताने के लिए कि भाई सतयुग शुरू हुआ है, सतयुग का ये धर्म, त्रेता का ये धर्म, द्वापर का ये, कलयुग का ये। तो पांच प्रकार के हुए। और छठे प्रकार का अवतार है मन्वंतरा अवतार। कौन सा? ये जो मत्स्य अवतार है वो मन्वंतरा अवतार के अंतर्गत आता है। मत्स्य अवतार को मन्वंतर अवतार कहते हैं। अब आप कहोगे ये मन्वंतर क्या है? मन्वंतर काल की अवधि है, एक समय की अवधि है। जैसे हम लोग समय को सेकंड से नापते हैं, जब 60 सेकंड होती है तो एक मिनट बनती है, जब 60 मिनट होती है तो क्या होता है? एक घंटा। ऐसे 12 घंटे होते हैं तो, 24 घंटे होते हैं तो एक दिन, ऐसे 30 दिन हो जाए तो एक महीना, ऐसे 12 महीने हो जाए तो है एक साल। अब आगे की सुनिए, एक साल हो गया, ऐसे 4,32,000 वर्ष बीत जाए तब कलयुग की अवधि समाप्त होती है। यह कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष जब बीतते हैं तब द्वापर युग की अवधि समाप्त होती है। 12,96,000 वर्ष बीतते हैं तब त्रेता युग की अवधि समाप्त होती है और 17,28,000 वर्ष बीतते हैं तब सतयुग की अवधि समाप्त होती है। कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष बीतते हैं
तब चारों युग की अवधि समाप्त होती है। मतलब चतुर्युग कितना होता है? 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीतते हैं तब एक मन्वंतर की अवधि समाप्त होती है। 71 सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली 71 टाइम्स जब होते हैं तब एक मन्वंतर समाप्त होता है। ओके ऐसे 14 मन्वंतर जब बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 14 मन्वंतर जब बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है। और थोड़ा आगे सुन लीजिए कि ऐसे ब्रह्मा 30 दिन का महीना, 365 दिन का साल, और वो ब्रह्मा 100 साल जीते हैं। और वो ब्रह्मा जी का जब 100 साल समाप्त होता है तब भगवान विष्णु का एक सांस समाप्त होता है। भगवान विष्णु जब इतना करते हैं तब ब्रह्मा का 100 साल समाप्त हो जाता है। और मनुष्य की तो कोई पता ही नहीं, कोई गिनती ही नहीं हो सकती। और फिर वो मनुष्य ऐसा दावा करे कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, थोड़ी तो लाज करो यार, थोड़ा तो व्याज भी रखो। ब्रह्मा के 100 साल जब बीतते हैं, 71 चतुर्युग एक मन्वंतर, ऐसे 14 मन्वंतर ब्रह्मा का एक दिन, वो ब्रह्मा 100 साल जीते हैं तब भगवान विष्णु का एक सांस। तो इसकी इसकी तुलना में हमारी हमारी गिनती ही क्या है? उस भगवान के सामने या ब्रह्मा के सामने, देवताओं के सामने हम है ही क्या? हमारी उम्र ही कितनी है? एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र जो है ना, रात दिन अपने घर पे ही पड़े रहते हैं। घर को सजाना, कुछ नया चीज लाना, उसको सजाना बनाना। उनके गुरु बृहस्पति को थोड़ी सी दया आई, इंद्र को कहा कि इंद्र एक काम कर, थोड़ा सा मेरे काम है, यहां चक्कर मार के आ जा। इंद्र वहां पर गए तो लोमस ऋषि वहां पर रहते थे। कौन से? लोमस ऋषि। इस ऋषि के बारे में थोड़ा सा, एक्चुअली इनका नाम था रोमस, और रोमस इसलिए क्योंकि उस ऋषि के शरीर पर बहुत रोंगटे थे, रुवाटी होती ना बाल, बहुत सारे रोंगटे थे, जैसे रींच बालू के ऊपर होता है। तो बहुत सारे रोंगटे होने के कारण इस ऋषि को रोमस ऋषि कहते थे, और फिर धीरे धीरे समय बीतने पर अपभ्रंश भाषा में लोमस हो गया। देवराज इंद्र लोमस ऋषि के पास आए और उन्होंने दूर से क्या देखा कि घास का एक बंडल है, और उस घास, सूर्य विपरीत दिशा में होता है तो उसके घास के बंडल के छांव में बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, भजन कर रहे हैं। जब सूर्य दिशा बदल दे तो ये घास के बंडल के इस बाजू आकर छांव में बैठकर भजन करते हैं। देवराज इंद्र ने देखा और आए लोमस ऋषि के पास और कहा कि महाराज, आप भजन करते हो, भक्ति करते हो, साधु महात्मा हो, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत बड़ा महल मत बनाओ, एक छोटी सी झोपड़ी, छोटी सी कुटिया तो बना लो। लोमस ऋषि ने कहा कि इंद्र, अब जीना है बहुत कम दिनों के लिए, और क्या ये घर बनाना और उसकी फजीयत में फंसना। इंद्र के मन में जिज्ञासा हुई कि साधु बोल रहा है कि जीना है बहुत कम दिनों के लिए, मतलब इसको कैंसर हो गया है, मतलब ये कब मरने वाला है, कोविड में फंस गया है क्या? इंद्र ने कहा, महाराज आप कहते हो कि जीना है बहुत कम दिनों के लिए और क्या ये सब मेहनत करना, तो आपका जीवन कितना है, आप कितना जीने वाले हो? तब लोमस ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा के जब 100 साल समाप्त होते हैं तब मेरे शरीर से एक बाल गिरता है, फिर दूसरा ब्रह्मा, दूसरी सृष्टि, उस ब्रह्मा के 100 साल तब मेरा दूसरा बाल गिरता है, ऐसे करते करते जब मेरे सारे बाल गिरेंगे तब मेरी मृत्यु होगी। इंद्र तो अवाक रह गया, इतनी दीर्घ आयु,
फिर भी क्या कह रहे हैं कि जीना है बहुत कम दिनों के लिए, क्या ये सब फजीहत करना है। अब आप विचार कीजिए, कहाँ वो लोमस ऋषि, कहाँ दीर्घ आयु और कहाँ हमारी जिंदगी है। कल का भरोसा नहीं और सैकड़ों साल का प्लान लेकर बैठे हैं। कल का भरोसा नहीं। हमारे वहां कहते हैं कमल दल जल जीवन टल मल, जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद होती है, ये हवा आई, ए गिरी, ए गिरी, ए ए ए तातो वेयो गयो, गया। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ब्रज में हम लोग बैठे हैं, ब्रज के संत ने बहुत सुंदर कहा, क्षणभंगुर जीवन की कली काकल प्रात में जाने खिली न खिली। ये जीवन की कली कल सुबह खिलेगी नहीं खिलेगी क्या भरोसा। क्षणभंगुर जीवन की कली काकल प्रात में जाने खिली न खिली, मलिया चंद की मंद लहर सुगंध समीर चली न चली, कली काल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट जिली न जिली, रटले अरि जीवा कृष्ण को नाम तू अंत समय पे हिली न हिली। अरे जीवा तू नाम ले ले, मरते समय हिलेगी या नहीं क्या भरोसा। प्राण प्रयाण समय कफवात पीते, ये सब काम नहीं करेगा। मरते समय जीवा काम नहीं करेगी तो आज और अभी से ही ले लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जीवन है बहुत कम और हम लोग, सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग में हम मनुष्यों को चूहे के साथ तुलना करते हैं। हम माने पहले मैं आता हूं फिर आप लोग, आपको बुरा नहीं लगना। चूहे को कभी आपने देखा? आप यूके में रहने वाले कहां चूहे को देखेंगे। तुम्हारा उंदड़ा होए होए रे, चूहे को जो है ना खेतों में, पहले तो आपने कभी चूहे को चलते देखा ऐसे आराम से? कभी नहीं, वो दौड़ता ही है जैसे आज का आदमी खास करके मुंबई जैसे महानगरों में दौड़ता ही दिखाई देता है। कहां ऑफिस में लेट हो रहा है, कहां घर पे जाने लेट हो रहा है, कहां जा, लेट ही होता है बंदे को। चूहा चलता नहीं, वो दौड़ता ही दिखाई देता है, यहां से वहां यहां से वहां। चूहा बड़ो बहुत मेहनत करता है, मेहनत रात दिन लगा रहता है। किस चीज में जानते हैं? वो खेत में अपना बिल बनाता है, अपना घर बनाता है, और मेहनत करते करते बेचारा बिल बनाते 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 खेत के एक कोने से शुरू करता है, दूसरे कोने से बाहर निकलता है, फिर अंदर भी बहुत सारी सुरंगें करता है, यहां से यहां तीसरी चौथी। वो प्लान इसलिए करता है कि मुझे मारने वाला काल है सांप। सांप यदि यहां से आएगा तो वहां से निकल जाऊंगा, यहां से आए तो वहां से निकल जाऊंगा। जैसे हम लोग प्लान नहीं करते हैं, ज्यादा जी जाए ज्यादा जी जाए। तो चूहा मदमस्त होता है बिल बनाने में, लेकिन सांप सतर्क होता है। वो माथा मार के मेहनत कर करके कर करके जैसे दूसरी बाजू से बाहर निकलता है, तब तो सांप गप करके खा जाता है, ले ले ले। बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ यूनाइटेड किंगडम, बधा पैसा एम ना एम ये गया। सारा माल सारी संपत्ति सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है और सांप गप करके चूहे को खा जाता है। ये हालत हम लोगों की है भक्तों, रात दिन प्लान प्लान, ये प्लान, यहां घर यहां बेडरूम ड्राइंग रूम, प्लान प्लान प्लान, तब तक तो काल आता है और गप करके खा जाता है। इसलिए नया साल है, आपको डरा नहीं रहा हूं लेकिन दूसरों की तुलना में जीवन बड़ा कम है। मैं तो अक्सर यही कहता हूं कि अब भी इसी समय मौत आ जाए ना
तो मरने का अफसोस नहीं होना चाहिए। जीवन में काम ऐसे करे, कार्य ऐसे करे कि मृत्यु कभी भी आ जाए हमें अफसोस ना रहे। मनवंतर की बात कर रहा था कि चार युग जब 71 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और उस 14 मनवंतर में प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक एक अवतार होता है। उस अवतार को मनवंतरा अवतार कहते हैं। और महाकवि श्री जयदेव गोस्वामी ने प्रथम अवतार मीन अवतार मत्स्य अवतार कहा। ये मत्स्य अवतार जो है मनवंतरा अवतार है। इतना कहने में मुझे आधा घंटा लगा के मत्स्य अवतार। श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत के अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा सुनाते हैं। उस मनवंतर की कथा सुनाते हुए मत्स्य अवतार की कथा सुनाए। सुखदेव गोस्वामी ने जस्ट इंडिकेट किया कि प्रभु ने मत्स्य अवतार लिया, लेकिन महाराज परीक्षित जिज्ञासा करने लगे। परीक्षित को बड़ा एक्साइटमेंट हो गया, हे सुखदेव गोस्वामी भगवन श्रोतुम इच्छामि, हे भगवन मैं श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनने की इच्छा रख रहा हूं, यदि आप मुझे पात्र समझो तो मुझे ये मत्स्य अवतार की कथा सुना दो। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे इतने सुंदर ठाकुर जी मछली क्यों बन गए। भगवान कृष्ण कितने सुंदर है, वो मछली बन गए हैं। मछली को इतना अच्छा तो पात्र नहीं माना जाएगा ना, एक तो उसमें से गंध भी आती है। और सो माया मत्स्य विडंबनम, प्रभु ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। ये मुझे बड़ा आश्चर्य कर रही है कि भगवान ने मत्स्य अवतार क्यों लिया। और मछली तो गर्हित मानी जाती है, गर्हित देह क्यों लिया। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित भगवान जो अवतार लेते हैं वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए लेते हैं। और भक्त जिस विपदा में जिस परिस्थिति में फंसते हैं उस परिस्थिति से उगारने के लिए भगवान को जो भी रूप लेना पड़े वह रूप ले लेते हैं। गो विप्र सुर साधु नाम, गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और छंद साम वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान एक पल भी सोचते नहीं है। मुझे सुअर बनना पड़े तो सुअर, मछली बनना पड़े तो मछली, लेकिन मैं रक्षा अवश्य करूंगा। किसकी? गाय की, ब्राह्मण की, साधु संतों की, धर्म की और वेदों की। सो भगवान इनकी रक्षा करने के लिए ये सब रूप धारण करता है। और परीक्षित ये भी समझ लीजिए कि भगवान चाहे सुअर बने या भगवान चाहे मछली बने, वो अपनी दिव्यता, वो अपनी गरिमा को कभी खोते नहीं है। कौवा कितना भी ऊपर उड़े, कौवा कौवा ही होता है, और गरुड़ कितना भी नीचे आ जाए, गरुड़ गरुड़ होता है। गरुड़ अपनी गरिमा नहीं खोता है। रात सुय सभा में भगवान श्री कृष्ण, अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण, साधु संतों के जूते उठाकर जूठे पत्थर उठाने की सेवा कर रहे थे, तो क्या कृष्ण की प्रतिष्ठा मान सम्मान कम हो गया? भगवान भगवान है, भगवान अपनी गरिमा कभी नहीं खोते। इवन जब भगवान ऐसे अवतार लेते हैं तो भक्तों के हृदय को आकृष्ट कर लेते हैं कि मेरा कृष्ण, मेरा ईश्वर किस हद तक चला जाता है, किस हद तक अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। मछली कुंती रोने लगी, प्रभु ये आप अपने भक्तों से इतना प्यार करते हो कि आपको एक सुअर और मछली बनने तक की लज्जा नहीं आती। कभी स्टेज में ड्रामा करना हो ना और किसी को कहना हो ना कि भाई तुझे सुअर का रोल करना है, वो मना कर देगा, नहीं और कोई भी रोल दे दो, ये नहीं,
अरे हम 5 मिनट के ड्रामा में भी सुअर और मछली नहीं बनते, और ये ईश्वर आज धरती पर मत्स्य अवतार धारण कर रहा है। ये जीव पर एक करुणा है यदि समझ में आए तो। सही, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा कि भगवान उस वायु के समान है। वायु कहीं से भी गुजरे वो कभी अपवित्र नहीं होती। हाँ, किसी परफ्यूम वाले की दुकान से निकले तो थोड़ी देर परफ्यूम लेकर चलती है, फिर तो वो अपने आप में असंग हो जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान कभी भी इस भौतिक प्रकृति में उनकी गरिमा कम नहीं होती, उनकी दिव्यता बरकरार होती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित तुम तो मत्स्य अवतार में आश्चर्य कर रहे हो, हमारे भगवान ने मत्स्य अवतार एक बार नहीं दो दो बार लिया। अच्छा प्रभु, दो बार मत्स्य अवतार? कब, कहां, कैसे? तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आसीत अतीत कल्पांते, अतीत कल्प अंते, पिछले कल्प के अंत में ब्राह्म नामक प्रलय हुआ था। सुखदेव गोस्वामी अष्टम स्कंद के 24वें अध्याय में सब कहते हैं। ये पहले जो मत्स्य अवतार हुआ उनकी चर्चा करते हैं कि अतीत कल में, पिछले कल्प में ब्राह्म नामक प्रलय हुआ। अब प्रश्न ये भी होता है कि भगवान प्रलय क्यों करते हैं? समय समय पर प्रलय होता है, क्यों? भगवान यह सृष्टि बनाते हैं इस उद्देश्य से कि सब लोग प्रेम करते हुए रहेंगे, सब लोग प्रकृति के नियम में रहते हुए अपना जीवन बिताएंगे, एक दूसरे को आदर करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। लेकिन भगवान सृष्टि बनाने के बाद नीचे देखते हैं तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। कोई कहीं आदर नहीं, कोई प्रेम नहीं, लूटपाट, चोरी, गाली गलौज। फिर भगवान थोड़ा बहुत सुधारने का प्रयास करते हैं, पर हम बधुई हड़गी गयो तो केम सुधारू। भगवान देखते हैं कि ओहो, इतनी इतनी गुत्थी, इतनी घूंच, तुम्हारे मोबाइल में नहीं थी जाती? आपके मोबाइल में नहीं ज्यादा वो डेटा हो जाते हैं, हैंग होने लगता है, फिर माथा सटक जाता है, सीधा फैक्ट्री रिसेट कर देते हैं, सब डिलीट, और फिर मोबाइल कितना अच्छा चलता है। बस तो ये प्रलय जो है, भगवान मोबाइल फॉर्मेट करते हैं, डिलीट करते हैं, पहले से नई शुरुआत करते हैं। बोले ये गुत्थी सुलझेगी नहीं, नई शुरुआत। या फिर भगवान प्रलय करके हम सबको एक इंडिकेट करते हैं कि भाई संसार में रहो, लेकिन संसार का प्रलय होता है एक ना एक दिन, संसार नित्य नहीं है, ये अनित्य है। तो संसार की अनित्यता को दिखाने के लिए भगवान ये प्रलय की सिस्टम प्रलय करते हैं। आप जानते हो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रलय चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। एक प्रलय जो ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त होते हैं, ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तब महाप्रलय होता है जिसमें करोड़ों के करोड़ों ब्रह्मांड डूब जाते हैं। दूसरा प्रलय ब्रह्मा जी की प्रत्येक रात्रि में होता है, जब ब्रह्मा जी सोते हैं प्रति रात्रि में प्रलय होता है। तीसरा प्रलय, प्रलय प्रकृष्ट रूपेण लय, कथा सुनते सुनते ये जो आप जपकी मार रहे हैं ना, ये भी एक प्रलय है। हालांकि ऐसा कोई है नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग कथा में, कहां जा रहे हो? सोने जा रहे हैं। अरे भाई, कथा सुनने जा रहे। सो लय हो जाना, निद्रा को भी प्रलय कहते हैं। और फिर अंत में होता है महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय, माने इस शरीर की मृत्यु हो जाना, देह से आत्मा को निकल जाना, यह है आत्यंतिक प्रलय। सो पिछले कल्प के अंत में ब्राह्म नामक प्रलय हुआ था और ब्रह्मा जी को नींद आ गई,
ध्यान से सुनिएगा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा को नींद आ गई, नींद आई मैंने जब की आई। ब्रह्मा को कभी आपने देखा है, साक्षात देखा है, रास्ते में फोटो में देखा होगा ना। ब्रह्मा जी हाथ में वेद लेकर बैठते हैं ना, ब्रह्मा जी के हाथों में वेद होता है, वेद पढ़ते हैं। और ब्रह्मा जी को जब ऐसे झपकी आई तो वेद गिर गया और जैसे ही वेद गिरा तो एक बहुत बड़ा असुर हयग्रीव नाम का असुर आया। ये हयग्रीव कैसा था, समुद्री घोड़ा, समुद्र में भी घोड़े होते हैं, समुद्री घोड़े का रूप लेकर हयग्रीव असुर आया और ब्रह्मा के हाथ से जो वेद गिरा उसे चुरा कर चला गया। अब ये असुरों को न तो वेद पढ़ना होता है न प्रीचिंग करना, इसको वेद की क्या जरूरत बताइए। नहीं, पढ़ने के लिए लेकर जाए तो बात अलग है, लेकिन एक महात्मा दृष्टांत दे रहे थे ना कि एक लड़का जो था ना इतना भावुक भक्त था, भगवत गीता का एक छोटा सा गुटका होता है ना, छोटी भगवत गीता होती है ये रामायण का जो गुटका होता है वो छोटी सी गीता थी। उसके पिताजी उनको जितना भी पैसे देते, कभी 5 रुपया 50 रुपया तो गीता में रख देता था, कभी 50-100 रुपया दिया गीता में रख दिया, कभी 50-100 दिया गीता में रख दिया। एक दिन उसके बाप ने कहा कि तू सारे पैसे यहाँ गीता में रख रहा है, रामायण जी में रख रहा है, कोई चुरा लेगा तो बोले इस पैसे को चुराने के लिए गीता तो खोलेगा ना, जो गीता खोलेगा वो पैसा चुराएगा नहीं और जो चुराएगा वो गीता खोलेगा नहीं, जो चुराएगा वो गीता कभी खोलेगा नहीं। ये तो गीता है, इसमें क्या ले, और गीता खोल दिया वो कभी चुराएगा नहीं, चिंता मत कीजिए। ब्रह्मा को नींद आई और हाथ से वेद गिर गए। मैं आपको भी कहूं कि कथा सुनते समय नींद आई तो वेद चला जाएगा, कथा का जो रस सार है, प्रसाद तो सोने वाले को भी मिलेगा लेकिन कथा रस जो है जैसे ब्रह्मा के हाथ से निकल गया तो निकल जाएगा। सो अतीत कल्पांते ब्रह्म नामको प्रलय, ब्रह्म नामक प्रलय में ब्रह्मा को नींद आई, हाथ से वेद गिरा, हयग्रीव नाम का असुर आया, वेद चुरा कर भागा, ब्रह्मा जी जगे, अरे रे 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 मैं कथा में सो गया, कथा छोड़ गई। फिर बाजू वाले को कहते क्या बोला था, हा? ब्रह्मा जी ने भी कुछ ऐसा किया, अरे यार वेद चला गया, वेद चला गया। हम वैष्णवों का एक अनुभव होगा, ये माला जब हमारे साथ होती है ना हमको इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जिस दिन ये खो गई उस दिन समझ जाओ पूरा बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, अरे माला कहां गई, माला कहां। ब्रह्मा के हाथ से वेद गिरे, ब्रह्मा विचलित, प्रभु को प्रार्थना की और हयग्रीव नाम का असुर जलचर, जल का घोड़ा था, तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, हयग्रीव असुर का वध किया और वो वेद ब्रह्मा को लाकर दे दिया। ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा। लेकिन पद्म पुराण में इसी से जुड़ी हुई और एक कथा है कि हयग्रीव नाम का असुर वेदों को फाड़ दिया, तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, हयग्रीव असुर को तो मारा लेकिन वो वेद कहीं छुपा दिया। तब भगवान मत्स्य ने सप्तर्षियों को नौका में बिठाया और प्रलय के समय वह नौका चलाई, और नौका चलाते समय भगवान मत्स्य ने ऋषि मुनियों को वेदों का ज्ञान दिया, और जिन जिन ऋषियों ने वो वेदों को समझा और लिखा वे उस वेद के उस पाठ के एक्सपर्ट बन गए। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी वेद हैं ऋषि उवाच, ऋषियों ने लिखे हैं, तो भगवान मत्स्य के मुख से सुनकर लिखे। तो ये तो हुआ अतीत कल्प की बात। आइए सुखदेव अब सुनिए इस कल्प में भगवान मत्स्य का अवतार कैसे हुआ, कहां हुआ। पहले तो कहां हुआ ये सुनो। एकदा कृतमालाया कुर्वतो जलतर्पणं तस्यां
जल उदके कश्चि शफरिये काव्यत्यद्यत। एकदा एक समय की बात, कृतमालायाम, ये कृतमाला नाम की एक नदी है। सो एकदा कृतमालायाम, कृतमाला नदी के तट पर, अब जहां मत्स्य अवतार हुआ, थोड़ा स्थान की महिमा भी सुन लीजिए। कृतमाला नदी जो है दक्षिण भारत में बहती है। दक्षिण भारत में एक स्थान है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में मलई पर्वत से बहुत सारी नदियां बहती हैं, तो उनमें से एक नदी है कृतमाला। गौड़ीय समाज बैठा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भजन करने वाले। आपकी जानकारी के लिए, कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा किए, और दक्षिण भारत की यात्रा करते करते कृतमाला के तट पर आए, जहां पर मत्स्य अवतार हुआ। और कृतमाला के तट पर चैतन्य महाप्रभु रुके, कीर्तन किए। इसी कृतमाला नदी के तट पर रामदास विप्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था। महाप्रभु को देखकर कहा, आज हमारे घर पर भिक्षान्न भोजन के लिए आओगे? महाप्रभु की करुणा कृपा तो बह रही थी, बोले ठीक है, आज आपके घर पर आएंगे। रामदास विप्र राम जी का बहुत बड़ा भगत था, और वे अपने घर पर गया। कुछ देर के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु रामदास विप्र के घर पर गए। देखा, जब घर पर जाते हैं तो थोड़ी सुगंध आती है ना, आज क्या बना होगा, हमको तो दरवाजे से पता चल जाता है। महाप्रभु ने कहा कि रामदास, तुमने अपने घर पर अभी तक भोजन तैयार नहीं किया, तुम क्या भिक्षा करोगे, क्या भोजन कराओगे? भोजन क्यों नहीं बना? रामदास दुखी होकर कहते हैं, प्रभु मैं राम जी का उपासक हूं, और मेरे राम जी वनवास में हैं, और वनवास के दौरान लक्ष्मण जी कंद मूल फल फूल लेने के लिए जाते हैं, और क्योंकि उनको खोजना पड़ता है इसलिए उनको देरी हो जाती है, और इसलिए मेरे प्रभु को भी देरी से भोजन बनता है, देरी से मिलता है। मेरे प्रभु देरी से भोजन करते हैं तो मैं कैसे जल्दी कर सकता हूं? यह प्रीति करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। बात कुछ ऐसी हुई, इसलिए आप बैठिए, मैं भोजन प्रसाद तैयार करता हूं। तीसरा प्रहर हो गया, और तब जाकर बहुत लेट, बहुत देरी से उस कृतमाला के तट पर रामदास विप्र ने भोजन बनाया और चैतन्य महाप्रभु को परोसा। चैतन्य महाप्रभु ने वह भिक्षान्न ग्रहण किया, भोजन किया, लेकिन देखा कि रामदास विप्र भोजन नहीं कर रहे हैं। अब रामदास विप्र जो थे राम जी के उपासक, राम जी का भाव भजन, राम जी का भाव में चिंतन कर रहे थे। महाप्रभु ने कहा कि रामदास तुम भोजन कर लो। बोले, प्रभु मैं भोजन नहीं कर सकता, और मुझे तो सच कहूं इस प्राण को त्यागने का मन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जगत जननी माता सीता को रावण हरण करके लेकर गया है। सीता जी को रावण लेकर चला गया, और मेरे प्रभु दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं। प्रत्येक पेड़ पौधे पत्थर को पूछते हुए जा रहे हैं, मेरी सीता कहां, मेरी सीता कहां। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है
हे मधुकर तुम देखी सीता मृगने तुम देखी सीता मृगने। मेरे प्रभु रो रहे हैं, वो सीता को खोज रहे, मैं कैसे भोजन कर सकता हूं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रामदास दिल छोटा मत करो, राम को कभी सीता से अलग किया जा सकता है? क्या कभी सीता जी राम से अलग हो सकती हैं? देह दो है प्राण एक है रामदास। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़ी बात कर गए कि राम जी सीता को नहीं खोज रहे हैं, राम जी केवट और शबरी को खोज रहे हैं। सीता तो उनके अंदर बैठी है, राम जी सीता वो तो उनके भक्त को खोज रहे हैं। और तुम ऐसा दिल हल्का कर रहे हो कि रावण सीता को लेकर, रावण की औकात है सीता को टच कर सके? अरे रावण की ये औकात कि सीता को देख सके। हम और आप जिस भगवान का भजन करते हैं वो भगवान अधोक्षज है, वो भगवान सुपर सोल है, वो अध्यात्म तत्व दिव्य तत्व है जिसको ये प्राकृत आंखों से भौतिक नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। अरे भगवान छोड़ो, हम और आप बैठे हैं, हमारे बीच में हवा है, आप लोग हवा को देख सकते हो? प्राकृत आंखों से प्राकृत हवा को नहीं देख सकते तो इस प्राकृत आंखों से अप्राकृत दिव्य भगवान को कैसे देख सकते हैं? वो अधोक्षज, वो इंद्रियों से इंद्रियातीत है। जब साधारण जीव प्रभु को और प्रभु की पत्नी सीता को नहीं देख सकता तो रावण जैसा असुर सीता को क्या देख पाएगा, क्या छू पाएगा? रावण ने माया सीता को देखा, माया सीता को लेकर गया। तुम चिंता मत करो, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामदास विप्र को सिद्धांत बताया और अपने हाथों से भोजन कराया। ये कहां की बात है? कृतमाला नदी के तट पर। भक्त उस कृतमाला नदी के तट पर, अब आइए सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, सत्यव्रत नाम के एक राजा रहते थे, राजा सत्यव्रत, धर्म में रुचि थी, धर्म परायण, वेद परायण, सदनीति से उनका जीवन था। और ऐसे राजा सत्यव्रत उस कृतमाला नदी में स्नान किए और स्नान करते हुए वो जल लेकर उस जल का तर्पण करने लगे। जब भी हम नदी में स्नान करें ना तो उस नदी का जल सबसे पहले उस नदी को अर्पण करें, तेरा तुझको अर्पण हम क्या दे सकते हैं, फिर वह जल सूर्य देव को अर्पण करे और फिर वह जल अपने पितरों को अर्पण करे, अपने माँ बाप को अर्पण, दिवंगत हमारे स्वजनों को अर्पण करे। आप कहोगे ऐसा करने की जरूरत है? राम जी ने किया, स्वयं भगवान कृष्ण ने कराया। अथ ते संपरेता नाम स्वानाम उदक इच्छताम दातुम सकृष्ण गंगायाम पुरस्कृत ययु स्त्रियः। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण ने स्वयं पांडवादि को लेकर जल तर्पण कराया। हमारा देश धन्य है भक्तों, हमारी संस्कृति तोड़ दे ऐसी है। यहीं पर आगरा, और आगरा में ताजमहल है, है? शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था, लेकिन उनका बेटा औरंगजेब अपने पिता, ऐसा हमने किताबों में पढ़ा है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कारागार में बंद कर दिया। आज भी वो कारागार है, भोजन पानी जल देना बंद कर दिया। और 10 दिन के बाद औरंगजेब शाहजहां के पास, अपने बाप के पास जाकर कहता है, पिताजी बताइए कैसा लग रहा है?
शाहजहां ने इतना ही कहा कि बस मैं मेरे एक दुर्भाग्य पर रो रहा हूं कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में क्यों नहीं हुआ, सनातन धर्म में मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग अपने माँ बाप को मरने के बाद भी जल पिलाते हैं और तू जीते जी मुझे जल पिलाए बिना मार रहा है। यह संस्कृति धन्य है भक्तों। उस दिन शाहजहां भी बोला था कि मैं पछता रहा हूं कि मेरा जन्म यहां हुआ, यदि हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ होता ना तो मरने के बाद जल तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंड दान पितृ क्रिया करते हैं। सो राजा सत्यव्रत उस अंजलि में जल लेकर जल तर्पण कर रहे थे और जैसे ऐसे जल हाथ में लिया तर्पण करने के एक मछली हाथ में आ गई। छोटी सी मछलियां इसे अच्छी लगती हैं, छोटी सी कन्या की भाषा में ही बोलती होगी ना, भाड़ा जी हम थोड़ी बोले है सत्यव्रत हम थोड़ी बोले, वो तो पतले पतले आवाज में ही बोलती होगी। तो छोटी सी मछली हाथ में आ गई और बड़ी प्रेम में भाषा में कहे, रुको रुको राजन, रुको 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 रुको, तमाह करुणम वचम, बड़े करुण स्वर से वो मछली कहने लगी, राजा राजा रुको रुको, छोड़ना मत मुझे अंदर। राजा इसे छोड़ने ही जा रहे थे, देखा मछली और बोल रही है मनुष्य भाषा में, बोल रही है करुण स्वर से, छोड़ना मत छोड़ना मत। राजा रुक गए, बोले क्या प्रॉब्लम है, बोले मुझे यहां मत छोड़ना क्योंकि मेरी ही जाति के लोग मुझे खा जाएंगे। समझवा जेव जो बाबा आ थोड़क अपना टाइप नु आयु। मछली ने क्या कहा, मुझे छोड़ना मत, मेरी ही जाति के लोग मुझे खा जाएंगे। मतलब होता क्या है, बड़ी मछली छोटी मछली को ऐसा ही होता है, दूसरी जातियों की औकात है हमको छूकर देखे। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े लोगों को किसी ने गिराया तो उन्हीं की जाति के लोगों ने, उनके अपने ही लोगों ने गिराया है? बाकी अधर्म की औकात नहीं कि धर्म को तोड़ सके। धर्म को हानि पहुंचेगी तो कहलाने धार्मिक लोगों के द्वारा ही पहुंचेगी, आपस में ही फूट पड़ेगी। मछली ने कहा कि मुझे तो मेरे समाज के लोग ही मार देंगे, हमारे वहां पतंग उड़ाते हैं, अभी जनवरी आएगी, आ गई ना जनवरी, तो पहली 14वीं जनवरी है, कायपो छे लपेट। आपने कभी देखा कि अहमदाबाद वाले की पतंग दिल्ली वाले ने काटी हो, अहमदाबाद वाला नहीं, अहमदाबाद वालों कापे, घर घर ना ज कापे। हमारे हमारे सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें और फिर पीठ के पीछे घर वाले ही। तो मछली ने कहा कि मुझे मत छोड़ो, तो राजा ने कहा तो क्या करूं, बोले आप कहीं भी राजा हो आप, मैं आपकी प्रजा हूं और प्रजा का पालन करना आपका धर्म है महाराज। बात भी सही है, मछली राजा की प्रजा ही हुई ना, राजा के राज्य की थी। राजा ने ठीक है कोई बात नहीं, राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। अब ये थोड़ा सा मैं मेरा ज्वाइंट कर रहा हूं कि मछली थोड़ी दिखने में अच्छी थी तो फिर घर जाकर कांच की पेटी में रखा, तब से वो पेटी शुरू हुई है। राजा ने सोचा मैं भी देखूंगा कि बेचारी कैसे घूम फिर रही है। तो घर जाकर छोटे से कांच के कमंडल में रख दिया। एक दिन बीता, सुखदेव गोस्वामी कहते, सब श्लोकों में लिखा है, मैं सरल भाषा करके कह रहा हूं कि एक रात बीती, मछली का शरीर बड़ा हुआ, राजा सो रहे थे, राजा को जगाया, राजन राजन, राजा ने अलार्म भी नहीं रखा, अरे ये कौन पुकार रहा है, तो बहुत अच्छी भाषा में जैसे छोटी लड़की कन्या कोई बोले ना ऐसे, राजा राजा राजा, खड़े हुए क्या हुआ इसको, बोले मैं बहुत मोटी हो गई, मेरा शरीर बड़ा हो गया और यहाँ घूम फिर नहीं पा रही हूँ, मुझे कहीं और बड़े पात्र में रखो। राजा ने बहुत बड़ा तपेला मंगा, तपेला होता है आप लोगों, तपेला मंगाया, उसमें मछली को रख दिया।
एक रात में उस तपेले से भी बड़े हो गए। राजन राजन ये भी छोटा पड़ रहा है। राजा ने उठाकर अपने बैकयार्ड में स्विमिंग पूल में डाल दिया। सोचा अठवाड़िया मैं नहीं नहाऊंगा, ये पड़ी रहेगी अंदर। एक रात बीती, वो जो स्विमिंग पूल था वो भी छोटा पड़ गया। राजन ये भी छोटा पड़ रहा है। तू खा क्या रही है, तू इतनी बड़ी क्यों हो रही है? बोले क्या करूं, बड़ी होती जा रही हूं। राजा ने एक बहुत बड़े सरोवर में मछली को दलवाया। एक रात में सरोवर से भी बड़ी हो गई, बड़े सरोवर में दलवाया। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित वो बड़ा सरोवर भी छोटा पड़ा, इतना बड़ा मछली नहीं मसला हो गया। राजा ने क्रेन से उठवाया और समुद्र में फाइनली डाला। और समुद्र में डालकर आहा, सत्यव्रत तो सत्यव्रत शास्त्रों को पढ़े हुए साधुओं की संगति करने वाला आदमी, जब महासमुद्र में उस महामत्स्य को डाला सत्यव्रत, हम सत्यव्रत ने हम गुजराती में कहो तो हड़बड़ाट थवा मिलो। क्या कोई साधारण मत्स्य नहीं, ये कोई कुछ 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 तो है, कुछ महान है। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आप बताइए आप कौन है। तीन चार दिन में इतना बड़ा स्वरूप धारण करने वाला कोई साधारण जीव तो हो ही नहीं सकता, बताइए आप कौन है। या तो आप भगवान हो या तो भगवान के प्यारे भक्त हो। और मैं तो धन्य हो गया, सत्यव्रत तो अपने आप को बोले मैं तो धन्य हो गया, क्योंकि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है। नारद भक्ति सूत्र, सत्संगम दुर्लभम। इस दुनिया में धन संपत्ति कमाना दुर्लभ नहीं, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो मिल जाती है। ये कुंवारे लड़के को भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, थोड़ा अच्छा आचरण रखो अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। ये कोई कठिन नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा कठिन नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं महत संगस्तु दुर्लभो, महान संतों की संगति ही दुर्लभ है। और एक बार यदि हो गई आहा, नारद जी और एक सूत्र, एक ही सूत्र है नारद भक्ति सूत्र का, एक तो महान भक्तों की संगति दुर्लभ, और यदि वैसे महान भक्त यदि मिल भी गए तो उसको समझना अगम्य, अगम्य। कौन समझ पाता है महान भक्तों को? हमारे देश की बहुत बड़ी करुणा है कि महान भक्त जब सृष्टि को संसार को छोड़कर चला जाता है तब समझ में आता है यार सूर्य चला गया, हमारा भाग्य चला गया। फिर रोते हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे जब थे तब तो तू समझा नहीं। तो महत संगम दुर्लभम, और यदि हो गया तो अगम्य, और यदि यदि प्रभु की कृपा हो ना और ऐसे महान संत की संगति समझ में आ गई अमोघम, वो फल दे बिना रह नहीं सकती। संत आपको मिल गया ना वो फल दिए बिना जा ही नहीं सकता। आधी घड़ी भी कोई संत मिल गया आपको बहुत बड़ा उपहार, आपको बहुत जीवन में बहुत बड़ी चीज हो जाएगी यदि कोई सच्चा संत जीवन में मिल गया। हनुमान जी महाराज सीता जी को खोजने के लिए लंका पहुंचे, असुरों को देखकर परेशान हो गए। यहां देखो यहां असुर वहां असुर, ये नॉनवेज ये नॉनवेज। और उस बीच में हनुमान जी ने एक घर देखा जहां राम नाम की पताका, राम जी के चिन्ह और उनके आंगन में तुलसी का पौधा। हनुमान जी सोचते हैं लंका निशीचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, ये तो राक्षसों की नगरी यहां सज्जन। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, उस महल में रहने वाला आदमी सुबह जब जगा तो राम नाम लेकर जगा। हनुमान जी समझ गए कि निश्चित कोई साधु है। हनुमान जी को याद आई अरे मुझे तो सीता जी को खोजने जाना है, और साधु को मिलूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सुंदरकांड हनुमान जी का ये परम सूत्र कि यही सन हठी करहिं पहचानी, क्योंकि साधु ते होई
न कारज हानि। साधु से मिलने में कार्य की हानि होगी? कभी नहीं, कार्य सुधर जाएगा। आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी में हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, साधु यदि जीवन में मिल गया ना, वहीं से आपको ऊपर उठाएगा, आपको जीवन में प्रोग्रेस करा देगा, कार्य की हानि नहीं होगी। बताइए प्रभु आप कौन है? अरे सूर्य देवता सुबह जब प्रकट होता है तब हमको दृष्टि मिलती है। दुनिया वैसी की वैसी होती है, लेकिन बिना सूर्य के क्या दुनिया दिखाई देती है? लेकिन सूर्य भी बाहर की वस्तु को देखने की दृष्टि देता है प्रभु। संत जो होता है वो आत्मा और परमात्मा को देखने की दृष्टि देता है, अंतःकरण की दृष्टि देता है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा उपकारी यदि कोई है तो वो है संत। प्रभु आप संत तो नहीं है कि फिर आप भगवान हैं? कृपया करके आप बताइए। इस प्रकार से राजा निवेदन करने लगे, तब विशाल मत्स्य का देह प्राप्त किया। एक सिर पर सोने का सिंह था और भगवान विष्णु प्रकट होकर कहने लगे, राजन मैं और कोई नहीं, मैं स्वयं विष्णु हूं, तेरी भक्ति से प्रकट हुआ हूं, तेरी भक्ति से प्रकट हुआ। आम तो गुजराती में भगवान कदाच बोला हो तो आऊ बोले रसिक भाई, आम तो मने कोई सारो न लागे पण तू मने बहु गमे छो, सत्यव्रत तू मने बहु गमे छो। रामायण को यदि आप पूछो ना कि भगवान को कौन गमता है, भगवान को कौन अच्छा लगता है, भगवान ने कौन गमे, त्यारे राम जी एटलू ज कहे, राम जी इतना ही कहते हैं, जो मेरा नाम लेता है वही मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे पसंद आता है, वो सुंदर हो जाता है। सत्यव्रत तू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाप, सुनो मैं तुम्हारे सामने इसलिए प्रकट हुआ हूं क्योंकि आज से ठीक 7 दिन के बाद प्रलय होगा। अच्छा प्रभु हमको तो पता ही नहीं था। बोले हां सत्यव्रत 7 दिन के बाद प्रलय होगा और जान जावात आंधी तूफान और मेघ बरसेंगे, सांवर तक बरसेगा, समुद्र अपनी सीमा को तोड़कर बाहर आ जाएगा और यह धरती हाहाकार हो जाएगी, प्रलय के जल में सब कुछ डूब जाएगा। सत्यव्रत पण तू मने बहु गमे छे, तू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं तेरी रक्षा करूंगा। सत्यव्रत ने, लेकिन पूरा सब संसार डूबेगा और मैं बचूंगा? हां सत्यव्रत, भजन करने वाला भगवत गीता में मैंने प्रतिज्ञा की है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मैं भक्ता प्रणश्यति, मैं मेरे भक्तों को कभी मरने नहीं दूंगा, ये मेरा प्राण मेरी प्रतिज्ञा है, तुझे आज भी नहीं आने दूंगा सत्यव्रत, बस मैं जितना कह रहा हूं उतना सुनो। 7 दिन के बाद ये सब कुछ डूबेगा, तुम एक काम करना, क्योंकि दूसरी बार जब सृष्टि होगी तो अन्न का बीज औषधि का बीज लेकर एक नौका में चढ़ जाना, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी, नौका में चढ़ जाना और तेरे जैसे भी अच्छे अच्छे भक्त है, कौन रसिक भाई प्रभुदास भाई मारे तो संसार में बहुत सारे अच्छे भक्त है तेरे जैसे, सप्तर्षियों को लेकर अन्न औषधि को लेकर उस नौका में चढ़ जाना। नौका जब मध्य सागर में पहुंचेगी, मझधार में पहुंचेगी, नौका लड़खड़ाने लगेगी, उस प्रलय के समुद्र में जब डूबने लगेगी तब इसी रूप में मैं प्रकट होऊंगा, चिंता मत करना। और वासुकी नाग को अपनी नौका से बांध देना और वह वासुकी नाग मेरे सिंह के साथ बांध देना, जब तक प्रलय चलेगा तब तक मैं तुम्हारी नौका को सुरक्षित रखूंगा। तो मिलते हैं 7 दिन के बाद, भगवान चले गए और सत्यव्रत तो सब तैयारी करने लगे हैं? और धीरे धीरे दिन बीतने में क्या देरी, 7वां दिन आया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज सत्यव्रत पूर्व की ओर दृष्टि करके बैठ गए,
झंझावात तूफान आंधी प्रलय पयोधि जले धृतवानसी जयदेव गोस्वामी पहला ही शब्द कहते हैं प्रलय प्रलय पयोधि जले कृतवा नसी वेगम ए विहित वही प्रचरितम भयंकर बिजली कड़कने लगी महामेघ भयंकर मूसलाधार बारिश करने लगे मूसलाधार बारिश समझते हैं आजकल बारिश होती है तो बूंद गिरती है ना टपक टपक मूसलाधार माने मूसल देखा आपने मोटा मोटा मूसल मूसल के समान बूंदे हाथी के समान बूंद गिर रही थी मूसलाधार बारिश होने लगी मेघ गरजने लगे और इतनी वर्षा सारे सरोवर की सीमाएं टूट गई समुद्र की सीमा टूट गई अषाढ़म चारम में घमलारम बनी ए दादूर डकारम मयूर पुकारम बड़ी कतारम आ नहीं संभारम प्यास पारम नंद कुमार मनी क्या कह राधे प्यारी ये बलियारी ओ कुड़िया वो गिरधारी रे तुम गोकुड़िया वो गिरधारी भयंकर वर्षा होने लगी अंधेरा छा गया और जैसे भगवान ने कहा था सत्यव्रत मुनि सारे ऋषियों को लेकर अन्न औषधियों को लेकर बहुत बड़ी नौका के ऊपर चढ़ गए और नौका धीरे 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 समुद्र के बीचों बीच पहुंची यहां वर्षा रुकने का नाम नहीं समुद्र का जल बढ़ने लगा नौका लड़खड़ाने लगी ब्रिज की सब बाला रूप रसाला ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करी बेहाला नंदलाला लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला लागी नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला मित्र मुरारी रे विशारी गिरधारी रे निशारी गिरधारी नौका लड़खड़ाने लगी सारे ऋषि मुनि परेशान राजा सत्यव्रत परेशान और सब लोग मिलकर भगवान का ध्यान करने लगे भगवान को पुकारने लगे प्रभु अब आप आओगे कि हम डूबे ए डूबे ए डूबे ए डूबे तब तक तो भगवान मत्स्य प्रकट हुए डाव डमक डमक दातुर डाव डम कत बह कत मोर मलाल गिरा मलाल गिरी उठी उषा पुकार तब गड़ड़ गड़ड़ नब होत कड़ा कन गणन गिरी वर शिखर ध्रुजे समुद्र की लहरें आकाश को छू रही है आज नौका उछल उछल कर आकाश को छू रही है सत्यव्रत मुनि सत्यव्रत राजा ऋषि मुनि परेशान भगवान को पुकारने लगे और उसी समय 1,00,000 योजन लंबा और चौड़ा शरीर धारण करके भगवान मत्स्य प्रकट हुए चमचम चमचम चमकते हुए सोने के समान दूर से एक सिंह धारण किए हुए
भगवान मत्स्य महासागर में प्रकट हुए और वासुकी नाग को भगवान मत्स्य के सिंह के साथ बांधा और दूसरे वासुकी नाग की छोर उस नौका के साथ बांधी और भगवान ने नौका को खींचा। कर सर पर सदर या मारे कर या नुसर कर परवर धर मेल करे हर हर सुर या वर या पर यति जब तक वो प्रलय चलता रहा तब तक भगवान मत्स्य राजा सत्यव्रत ऋषि मुनि साधु संत को लेकर उस नौका को चलाते रहे। आहा, जैसे आप लोग क्रूज में जाते हो, सबसे पहली क्रूज भगवान मत्स्य ने निकाली थी और समुद्र में यहां से वहां तैरा है। दक्षिण से शुरू किया था, दक्षिण कृतमाला नदी, और दक्षिण से वह भगवान मत्स्य उस नौका को खींचते 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 हिमालय पर लेकर आए। और आज का जो कुल्लू मनाली, मनाली हम लोग कहते ना, भगवान मत्स्य उस नौका को लेकर मनाली में लेकर आए और जब तक वहां पर पहुंचे समुद्र शांत हुआ और राजा सत्यव्रत भगवान मत्स्य को स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे। श्री मत्स्य भगवान के भगवान मत्स्य ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया, इसलिए राजा सत्यव्रत भगवान मत्स्य को अपना गुरु बना लिए और 8 श्लोक में गुरुवाष्टकम के रूप में राजा सत्यव्रत भगवान मत्स्य को स्तुति करते हैं। अद्भुत स्तुति, धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो। एक और प्रलय सागर चल रहा था, एक और बाहर से अंधकारी अंधकार और एक और हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार था। प्रभु आपने हमें ज्ञान देकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दिया। जैसे ये मनुष्य जीवन एक नौका के समान होता है और ये संसार महासागर के समान है। कितनी भी अच्छी नौका हो लेकिन उस नौका को चलाने वाला कैप्टन न हो तो महासागर में वह नौका खो जाएगी, भटक जाएगी। प्रभु मनुष्य जीवन रूपी नौका मिल गई, इस नौका को दिशा देने वाला मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। प्रभु आपने मत्स्य अवतार लेकर हमें ज्ञान दिया और इस मनुष्य जीवन का मार्गदर्शन किया, आप हमारे गुरु है प्रभु। सो भगवान मत्स्य को अपना गुरु मानकर राजा सत्यव्रत ने बहुत सुंदर प्रणाम और धन्यवाद किया और अंत में कह दिया कि इस संसार में किसी व्यक्ति के लिए उनके माता पिता भाई बंधु समाज देवी देवता ये सब लोग मिलकर जितनी कृपा नहीं कर सकते उतनी कृपा एक गुरु करता है। नयत प्रसादा युत भागलेश, एक गुरु जितनी कृपा करता है ना उसकी 1000वें हिस्से की कृपा भी ये सब लोग मिलकर नहीं कर सकते। गुरु जो कृपा करते हैं वे आत्मा का कल्याण कर देते हैं। प्रभु आप हमारे गुरु हैं, इस प्रकार से महाराज सत्यव्रत ने निवेदन किया। और अंत में इस पूरी कथा का सार संत महात्मा गण बहुत सुंदर कहते हैं कि सत्य माने कृष्ण, सत्य कृष्ण सत्य प्रतिष्ठित है, सत्य कृष्ण है, और व्रत माने हम और आप जो भक्ति का व्रत लेकर बैठे हैं। सत्य माने कृष्ण, व्रत माने भक्ति का व्रत, और प्रलय माने मृत्यु। ऐसा मत समझिए सत्यव्रत के जीवन में ही प्रलय हुई, हम सबके जीवन में प्रलय होने वाला है, हम सबके जीवन में मृत्यु आने वाली है। तो हमें क्या करना है, सत्य व्रत लेना है, कृष्ण की भक्ति का व्रत लेकर हरिनाम रूपी नौका में बैठ जाना है। और सप्तर्षि माने गुरुदेव,
और मत्स्य माने भगवान से, गुरुदेव के साथ इस हरिनाम रूपी नौका में यदि बैठ जाएंगे तो भगवान हमारी नौका को परली पार भवसागर के पार लेकर जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे हरे। गोविंद जी मूल जी गगड़ा परिवार द्वारा प्रस्थापित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के इस महायज्ञ के प्रथम सत्र में पधारे हुए सभी भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत है। परम सौभाग्य है हम सभी का ठाकुर जी के इस निजधाम श्री वृंदावन में हम सभी विराजमान हैं। और आज कथा का चिंतन करते हुए ऐसा अनुभव हुआ मानो हमने किसी पाठशाला में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो। इस संसार की पाठशालाएं हमें जीना सिखाती हैं, जीते हुए कैसे सुखी होना यह सिखाती है, लेकिन भागवत एक ऐसी पाठशाला है जो हमें मरना सिखाती है और मरना सजाना सिखाती है। ये भागवत की महिमा है। और भागवत के इस अद्भुत मार्मिक प्रसंग को, दशावतार की जो कथा है, इसे आने वाले 7 दिनों में हम प्रभु जी के श्रीमुख से यहाँ इसी प्रकार से श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और बड़े विस्तार से एक एक तत्व को यहाँ प्रभु जी ने निरूपित किया। तो आइए हम प्रभु जी का अभिवादन करें उच्च स्वर में, हरे कृष्ण महामंत्र का गुंजार करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी श्रीमद् भागवत जी की आरती होगी तो हमारी विनंती है गगड़ा परिवार के सभी परिवारजनों से कि वे सभी यहाँ स्टेज के पास आ जाएं, श्रीमद् भागवत आरती का लाभ लें और तत्पश्चात उपस्थित सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था यहाँ सामने जो हरे कृष्णा ऑर्किड है बेसमेंट में जो हॉल है माधव हॉल, वहाँ पे सभी भक्तों के लिए प्रसाद है। कल कथा ठीक 3:30 बजे दोपहर में प्रारंभ होगी, 3:30 बजे से कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा और 4:15 बजे कथा का द्वितीय सत्र प्रारंभ होगा। तो आप सभी भक्तों से हमारी विनंती है कि कल भी आप सभी यहाँ उपस्थित हों। और जो भक्त YouTube, Facebook इत्यादि चैनलों से आस्था के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी समय सर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी नौका अब चल चुकी है और ये नौका अब हमें ठाकुर जी के 10 अवतारों का जो है हमें दर्शन कराएगी। तो आप सभी से विनंती है समय से आप सभी उपस्थित रहिए और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो गगड़ा परिवार के सभी परिवारजनों से विनंती है कि वे सभी आगे आ जाएं और श्रीमद् भागवत आरती का लाभ लें। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती पावन परमानंद सुधारसमय कल की
लारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कली मल मथनी कृपापनी वार जन्म मृत्यु मय भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुमहो सरि हरि चरित ज्ञान विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परम हंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अतिमुचित प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 कथा के दौरान हम लोग नाचते हुए कीर्तन नहीं कर पाए, लेकिन अब चितचोर प्रभु के मधुर स्वर के साथ हम सब लोग कीर्तन करेंगे एवं नृत्य करेंगे स्वभाव से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे सब लोग गाइए प्रेम से भगवान का नाम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Krishna, 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 Hare.